So hello everyone and welcome to an academy on Let's Crack Rajasthan exams. My name is Dr. Varun Sharma and I have been training civil service students for the past 3 years now. I have appeared for UPSC CSE interview once and for RIS interview thrice. And I'll be helping people to strategically prepare for various RPSC exams, especially in English medium. So this is a brief about me. आज का जो टॉपिक है हमारा दैट विल बी टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान. तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. And it is very useful for this class is going to be very useful for all the people who are appearing for ACF as well as for RIS exams. इसके अलावा और भी जो exams है चाहे वो पटवारी हो चाहे वो grade 1, grade 2 हो lecturers के हो college lecturers के उन सबके लिए ये video काफी useful रहेगा. Before we start the video, one thing I would like to inform you all that this is a recorded video. So I am not live right now and all the questions that you have either you can put it in the comment section or you can put it in the live chat section and I'll be answering it. If you have any doubts or not. So this is going to be a recorded session. So please make sure that I won't be answering you live. So sorry for that. But since it's the year end. So we have to put up some recorded sessions. So that the continuity of the classes remains. That is the reason. Okay. So aaj hum temple of architecture. Temple architecture Rajasthan pe discussions aur sari cheeze start karne wale hain. But before we move further. Let me give you a brief about an Academy Plus. And why you should be joining Academy Plus. बिकॉज यहाँ पर आपको क्या है डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं. ऑल द एजुकेटर्स विल बी टेकिंग अप डिफरेंट टॉपिक्स एंड विल बी कवरिंग ऑल योर सिलेबस. जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे लाइव क्लासेस के अंदर. प्लस की बात कर रहा हूँ मैं. एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड टॉपिक वाइज एंड सिलेबस वाइज. तो कुछ ये नहीं बीच में हॉप कर रहे हैं या अगर हॉप करते भी हैं तो सीक्वेंसिंग के तौर पर पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा. देन यू विल बी हैविंग लाइव टेस्ट एंड क्विजेस ताकि यू कैन असेस योर परफॉर्मेंस और एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं किस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनलिमिटेड एक्सेस टू द वीडियोज. सो वंस योर सब्सक्रिप्शन इज देयर सो टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन वॉच द वीडियोज एन नंबर ऑफ टाइम्स. यू कैन डाउनलोड नोट्स यू कैन मेक नोट्स सो यू कैन दिस इज विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स. तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको हमेशा मिलता रहेगा. ये एक नया बैच शुरू हुआ था 28 नवंबर को अस्पायर फाउंडेशन कोर्स ऑफ आर एस 2021. I have been taking Indian Polity classes for this. तो weekend batch है every Saturday and Sunday को मेरी 3-3 घंटे की क्लास होती हैं. So एक महीना तो हो चुका है इस कोर्स को लेकिन सारे वीडियोज अवेलेबल हैं. दिस कोर्स विल बी आई विल बी टेकिंग पॉलिटी 31st of Jan. तो 31st of Jan तक पूरा आर एस का जो सिलेबस है उसके हिसाब से पॉलिटी कंप्लीट करवा दी जाएगी. फॉर दोज ऑफ यू हैव नॉट एनरोल्ड इट टिल नाउ यू कैन एनरोल दिस एंड फॉलो दी कोर्स और पूरे नोट्स वगैरह सारे वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे वर्ड फॉर्मेट के अंदर. Other than, achha, this is the course I'm talking about. So you can see this link and follow me from there. The courses that I'll be covering in English medium are all these courses. जिसमें मैं history, art and culture ये सारे complete करवा चुका हूँ. Public admission complete करवा चुका हूँ. Rajasthan polity complete हो चुकी है. Indian polity चल रही है 31st Jan तक complete हो जाएगी. Modern India history I'll be starting from January. मैंने कुछ दो classes ली थी. आप लोगों का बहुत साथ मिला. So I'll be starting it up again. तो January से January 5th से है suppose. 5th से हम लोग रेगुलरली या 4th से 4th और 5th जनवरी से रेगुलरली मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री क्लासेस शुरू करने वाले हैं. एंड आपके जो डाउट्स हैं लाइव उसमें क्लियर किए जाएंगे. यूट्यूब पर चलेगी ये वाली क्लास. ओके ये प्लस पर चल रहा है और ये सारे कोर्सेज जो है ये वाला कोर्स ये दोनों प्लस पर. इसके नोट्स सारे अवेलेबल है वर्ड फॉर्मेट के अंदर. एंड इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स मैं इंग्लिश मीडियम में लेने वाला हूँ. इफ यू वॉन्ट एनी अदर कोर्सेज टू बी कवर्ड इन इंग्लिश आई विल बी टेकिंग इट अप टेकिंग देम एज वेल. सो मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म मी अबाउट इट. सो ये सब चीज़ें. अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात. अभी 28th of December से यानी कि कल से ये एक और कोर्स शुरू हुआ है 20 दिसंबर से संकल्प फाउंडेशन कोर्स फॉर आरएस 2021. ठीक है तो ये सारे एजुकेटर्स हैं इसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर करवाएंगे. सो दोज ऑफ यू आर न्यू अगेन देन यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर दिस कोर्स एंड जॉइन दी बैंड वैगन फॉर आरएस 2021. मोर देन दैट ये सब कैसे करना होगा. यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड यू हैव टू गो ऑन द आरपीएससी सेक्शन. उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक पेज खुलेगा. एंड जो 12 मंथ कोर्स है दैट इज फॉर 7000 एंड जो 24 मंथ कोर्स है 2 ईयर्स का वो 8400 का है. अगर आप ये कोड यूज करते हैं 10VS तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा. तो एक साल का कोर्स 6300 में और दो साल का कोर्स 7560 ओनली में आपके लिए अवेलेबल रहेगा. अदर देन दिस दिस इज फॉर एंटायर आरपीएससी एग्जाम्स. तो ऑल एग्जाम्स जो आरपीएससी कंडक्ट करवाएगा उन सब के लिए ये वैलिड रहेगा कोड जितने भी टाइम पीरियड का. ठीक है अनअकैडमी में जो कोर्स सेक्शन है वो टाइम के हिसाब से नॉट ऑफ द कोर्सेज. देन एंड ऑल अदर एजुकेटर्स जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सबके प्लस पर आप वीडियोज देख सकते हैं उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड उनसे डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं. इट्स ऑल एजुकेटर्स एंड ऑल एग्जाम्स के लिए ये कोड वैलिड रहेगा एंड यू कैन यूज इट एज पर द नीड ऑफ योर विच एग्जाम यूर अपियरिंग फॉर. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं.
Other than this, if you want to get in touch with me, then you can follow me on this link, Unacademy Learning app. Download करना पड़ेगा आपको, मुझे इस link पे follow कर सकते हैं. यहाँ से आपको मुझे contact करने की details वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी. You can chat with me in the messages also. And इसी video के नीचे एक link दिया हुआ है feedback form, तो उसके through भी आप मुझे chat कर सकते हैं. आप RP section पे जाइएगा, अपना नाम दीजिएगा, अपना telephone number दीजिएगा और यहाँ मेरा नाम mention कर दीजिएगा, तो मैं आपसे touch में आ जाऊंगा. So this is about me. बाकी इस link के ऊपर मेरी सारी contact details आपको मिल सकते हैं. You can get in touch with me and आपके जो भी doubts हैं regarding joining class or your exams related doubts or preparation related doubts, I'll be more than happy to resolve them. So get in touch with me as and when you need. So this is about me. Thank you for being so patient listeners about all these slides. चलिए topic शुरू करते हैं. Temple architecture of Rajasthan. अगर देखा जाए तो पिछले जो trend रहा है दो तीन exams का, चाहे वो UPSC हो, चाहे RPSC हो या other PCS exams हो, उन सब में ज़्यादा focus किया जा रहा है art and culture के ऊपर. आर्ट एंड कल्चर के से मेरे कहने का मतलब हिस्ट्री, जो आपके राजा महाराजाओं के जो महल वगैरह हिस्ट्री वगैरह, महल वगैरह चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट दे पर्सनल हिस्ट्री पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा कम क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा रहा है. सो आर्किटेक्चर इटसेल्फ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है. तो फोर्ट वाला एक मैं मैराथन सेशन पहले ले चुका हूँ, मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप वो सारा सेशन देख सकते हैं. इसके अलावा ACF को ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थान के जो तीनों रजवाड़े हैं, एक तो चौहान वंश का हो गया, एक जोधपुर के मारवाड़ का हो गया, मेवाड़ का हो गया और जयपुर के कछावा वंश का हो गया, वो सारे मैंने कवर करवा चुका हूँ उसी सीक्वेंस में, ताकि ACF और RS एग्जाम में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो. मैं टेंपल आर्किटेक्चर भी शुरू कर रहा हूँ, तो ये आज पूरी क्लास रहेगी, थोड़ी डेढ़ दो घंटे क्लास होगी, थोड़ी लंबी हो सकती है, बट एंटायर टेंपल आर्किटेक्चर दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कवर्ड इन दिस. तो शुरू करते हैं. तो टेंपल आर्किटेक्चर राजस्थान के अंदर गुप्ता मौर्य ईरा सब तरह के टेंपल आर्किटेक्चर मिलते हैं, पर बहुत पुराना इतिहास रहा है यहाँ पर हमारा, और ऐसा माना भी जाता है कि मौर्य एम्पायर और यहाँ पर का भी कंट्रोल में रहे काफी टाइम तक राजस्थान. उसके बाद गुप्ता ईरा के अंदर भी यहाँ पर टेंपल्स मिलते हैं, तो ये इम्पैक्ट पूरे इन कल्चर्स का यहाँ पर रहा है. तो 7th century तक जो टाइम पीरियड है गुप्ता ईरा से लेकर 7th century तक, वो यहाँ का इनिशियल टाइम पीरियड माना जाता है मंदिर निर्माण के अंदर. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल जो हुए तो मैक्सिमम आपके गुप्ता पीरियड से लेकर 7th century तक हुए थे. वो अर्ली टेम्पल्स ऑफ राजस्थान के तौर पर उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. वो आगे वाली स्लाइड के अंदर मैं उनका बाइफर्केशन आपको और समझाऊंगा. तो 1000 AD तक ये जो पीरियड था, यहाँ पर अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुए, अलग अलग टेम्पल्स यहाँ पर डेवलप हुई पूरे राजस्थान के अंदर, इनका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर जो मौर्य ईरा गुप्ता ईरा के जो टेम्पल्स हैं वो बैराट में आपको मिलेंगे. बैराट के अंदर जो भाबरू शिलालेख है वो भी मौर्य ईरा के टाइम का ही है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं. और नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर जगह है जो यहाँ पर जहाँ पर सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, तो यहाँ पर मौर्य पीरियड के या गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं. और एक बेसिक ओवरऑल आप देखें ओवरव्यू, तो इंडिया के अंदर देखा जाए टेंपल बिल्डिंग के तीन मेजर स्टाइल रहे हैं, नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल और द्रविड़ियन स्टाइल. तो नागर स्टाइल जो है वो नॉर्थ इंडिया का था, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया कि जो बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, और बेसर स्टाइल वो सेंट्रल इंडिया का था. इट वॉज बेसिकली ट्रांसमिटिंग टाइम बिटवीन दीज नॉर्थन इंडियन टेम्पल्स एंड दी साउदर्न इंडियन टेम्पल्स, और सदर्न इंडियन टेम्पल्स को हम द्रविड़ियन स्टाइल टेम्पल्स कहते हैं. तो ये जो एकदम जो ट्रांजियन फेज था वो बेसर स्टाइल के अंदर आ जाता है. सेंट्रल इंडिया MP वगैरह और इसके आसपास का जो टाइम पीरियड है, जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर बेसर स्टाइल की टेंपल्स मिल जाएंगी. राजस्थान के अंदर खास तौर से नागर शैली की टेंपल्स ही मिलती हैं, एक दो द्रविड़ियन शैली की भी हैं जैसे अजमेर के अंदर है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एकदम टेंपल है, वो द्रविड़ियन स्टाइल पर टेंपल बना हुआ है, जैसे आपने मीनाक्षी टेंपल वगैरह देखे उस तरह के स्टाइल का है. ये टॉपिक इंडिया के अंदर भी कवर कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वहाँ भी मैंशनड है, लेकिन नागर स्टाइल राजस्थान के अंदर बहुत मेजॉरिटी में देखने को मिलता है, तो हमें राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले पूरा कवर करना चाहिए. तो दिस इज अबाउट द टेंपल आर्किटेक्चर इन ऑल ओवर इंडिया. नाउ तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि टेंपल्स के अंदर वो किसको रिजेंबल करती हैं. एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई बेस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं या शिखर को क्या कहते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन सारे बन के आ सकते हैं आपको, कहाँ पर होता है क्या. माइट बी टू होपफुल, बट इस तरह का एक फिगर आपको दे दें एग्जाम के अंदर और बोले कि इसमें मार्क करके बताओ कि कौन सा शिखर होता है, कौन सा गर्भगृह है, क्या है, तो वो एक बेसिकली मतलब वी कैन इम्प्रोवाइज क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके हिसाब से. तो अधिष्ठान बेसिकली जो फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर पूरा मंदिर खड़ा होता है, पूरी बिल्डिंग, उसको हम अधिष्ठान कहते हैं. तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये प्लेटफॉर्म जो है, इसको हम अधिष्ठान कहेंगे. इसको जगती भी कहते हैं और इसको हम अधिष्ठान भी कहते हैं, दोनों चीज़ों में आप ध्यान रखिएगा. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स हैं उनको दे आर कंसिडर्ड एज द फॉर्म ऑफ द गॉड हिमसेल्फ. तो जो मंदिर हम बनाते हैं ना, तो आपको जो टर्म सुनाई देंगी यहाँ पर, शिखर है, ग्रीवा है, ग्रीवा मीन्स द नेक, उस तरह की वो सारी हम लोग उसको मंदिर को भगवान का फॉर्म ही मानते हैं.
ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इनको मंदिर को भगवान से अलग नहीं मानते, मंदिर और भगवान एक ही मान के चलते हैं हम लोग। हालांकि उसके अंदर हम गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति रखते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, बट आइडिया क्या रहता है कि जो मंदिर है वो पूरा की पूरी भगवान की बॉडी है उसके हिसाब से। तो अधिष्ठान बेसिकली इनको लेग्स मान सकते हो, बेस प्लेटफॉर्म मान सकते हो जिसके ऊपर पूरा मंदिर खड़ा है ह्यूमन बॉडी की तरह, ठीक है। शिखर यानी कि पीक, जो टॉप ऑफ द टेंपल और द टॉप ऑफ द सैंक्टम सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टोरम का मतलब होता है गर्भगृह, ठीक है, हिंदी में गर्भगृह कहते हैं, जहां पर भगवान की एक्चुअल मूर्ति रखी होती है। तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे जहां पर, चाहे शिवलिंग शिव मंदिर में जाए, शिवालय में जाए, चाहे किसी और मंदिर में जाए, तो जहां पर भगवान की आइडल प्लेस होती है उसको हम सैंक्टम सैंक्टोरम में गर्भगृह कहते हैं। उसके ऊपर का सीधा वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं शिखर। तो ये आप देख लीजिए शिखर, तो ये इस जगह यहाँ पर लिखा हुआ है सैंक्टम सैंक्टोरम, ठीक है, गर्भगृह ये चीज। इसके ऊपर वाले जो हाईएस्ट बिल्ड पॉइंट है उसको हम कहेंगे शिखर। तीसरा आता है कलश, ये कलश होता है टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पीक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो इतना सा पार्ट है इसको हम कलश कहेंगे, ठीक है। या फिर इस वाले पार्ट में देख लो क्लियरली विजिबल है, वहां कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियरली विजिबल है, इसको हम कहेंगे कलश। यहाँ पर हम लोग जैसे जो हमारा हिंदू रिलीजन के अंदर या धर्म के अंदर जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो हमेशा कलश जरूर रखते हैं, जिसके अंदर हम जो होली वाटर होता है उसको भर के रखते हैं, होली पॉट होता है, ये मिट्टी का भी हो सकता है कई जगह, लेकिन ज्यादातर इसको पीतल या सोने का घड़ा भी रखते हैं। तो मंदिर के ऊपर वाली जगह पर इसको रखा जाता है, इसके अंदर होली वाटर भरा हुआ होता है और काफी इसको पूजनीय होता है, तो इसको हमेशा ऊपर रखा जाता है मंदिर के अंदर, तो उसको हम कलश कहते हैं। फिर होता है अमलक, अमलक का मतलब होता है सर्कुलर पार्ट एट द बेस ऑफ द कलश, तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो कलश का पार्ट हो गया, ये वाला छोटा वाला पार्ट है जो बेस बनाता है उसको हम अमलक कहते हैं, ठीक है, तो ये आपके कलश के नीचे रखा होता है। फिर ग्रीवा, जो स्लोप ऑफ द टेंपल, तो जो ये स्लोप होती है ये वाला पार्ट, इसको हम ग्रीवा कहते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको गर्दन की तरह, उसको हम ग्रीवा, जैसे मैंने बताया क्योंकि ह्यूमन बॉडी मान के चलते हैं, तो वही ग्रीवा वाला पार्ट जो आपके स्लोप में आता है। इसके बाद एक होता है कपोत, कपोत यानी कॉर्निस, द पार्ट ऑफ डोर विंडो वॉल और कॉलम अटैच टू द अपर रूफ, तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है ये हो जाता है कपोत, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिससे पूरा मंदिर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं कपोत। और जिससे पूरा आपके मंदिर की दीवारें और दरवाजे विंडोज जो होते हैं उसमें जो कॉलम होता है ऊपर अटैच, जो ग्रीवा को और आपके उसको कंबाइन करता है आपके अधिष्ठान को, उसको हम कपोत कहते हैं। फिर आपके आता है मसूरक, द पार्ट बिटवीन द फाउंडेशन एंड द वॉल्स, तो ये जमीन के बीच में ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं आपके मसूरक, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके लास्ट आता है जंगा, जंगा यानी कि वॉल्स, स्पेशली द वॉल्स ऑफ द सैंक्टम सैंक्टोरम, तो जंगा यानी थाइस जो हो गई, बेस को हमने लेग्स मान लिया, ये वाला जो पार्ट होता है जंगा ये होती है आपके थाइस की तरह ह्यूमन बॉडी के, उसमें देखें तो यहाँ पर आपके इसको हम कहते हैं जंगा, जो जिसको पूरा कवर करती है खास तौर से गर्भगृह के आसपास की जो जगह होती है उसको हम जंगा कहते हैं। तो ये बेसिक आपके 8-9 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखिए, बाकी इसके अंदर और भी मंडप दे रखे हैं जिसके अंदर असेंबली होता है, तो ये चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। उरु शिखर, जो हाफ शिखर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर मंदिर में आपको देखने को मिलेंगी, वो ये 8-9 जो बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं जो एक मंदिर की होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी थोड़ा याद रखिएगा, ये आपके राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नागर शैली क्योंकि इंडिया आर्किटेक्चर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरह से इसको पता रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नागर स्टाइल टेंपल्स, तो उसके अंदर ये सारा लिख के आएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ आएगा तो बड़े क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 10 मार्क में, अदरवाइज आई बिलीव ये आपके 5 मार्क के अंदर ही आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं प्रैक्टिकल, और क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें इतना डेटा है, अगर ये क्वेश्चन आपके आ जाएगा तो 5 में से 4, 4.5 नंबर अगर सारे पॉइंट्स लिखते हैं मोर और लेस आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल देंगे तो 5 में से 5 भी क्वेश्चन नंबर आपको मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। मूविंग फर्दर, तो अब हम आते हैं नागर शैल टेंपल्स पर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादातर आपको नागर शैल टेंपल्स देखने को मिलेंगी, खासतौर से राजस्थान, MP, UP, उड़ीसा, ये वाला पार्ट जो है साउथ इंडिया से ऊपर वाला पार्ट है उसमें, और मध्य प्रदेश के नीचे वाला पार्ट आ जाता है कुछ, महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, छत्तीसगढ़ वगैरह, यहाँ पर आपको बेसर शैल टेंपल्स देखने को मिलेंगी। और जब हम साउथ इंडिया में आ जाते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आपके आंध्र प्रदेश, अब तो क्या तेलंगाना भी है, तो वहां पर आपको द्रविड़ियन शैली की मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ये 3 बाइफरकेशन इस तरह से होता है। अब इसके अंदर भी राजस्थान के अंदर जो नागर शैली है उसके भी सब डिविजन हो जाते हैं, तो कोई भी अगर हम जिस तरह समझाएंगे तो हमें ये समझाना पड़ेगा कि नागर शैली इंडिया लेवल के ऊपर है और उसका राजस्थान में जो डिवीजन है वो और अलग अलग 3 शैलियों में डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है जो उस वक्त वहाँ पर राज साम्राज्य थे यहाँ पर, ठीक है। तो जो गुर्जर प्रतिहार शैली जिसको महामारू शैली भी कहते हैं, वो गुर्जर प्रतिहार ने शुरू किया था, और जो मरु गुर्जर शैली है वो सोलंकी जब राजवंश था राजस्थान में उन्होंने शुरू किया था, और भूमिज शैली जो तीसरे टाइप के मंदिर होते हैं राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों के तीनों दे आर सब स्टाइल्स ऑफ नागर टेंपल आर्किटेक्चर, ये ध्यान रखिएगा। महामरु यानी गुर्जर प्रतिहार स्टाइल, मरु गुर्जर और यह सोलंकी स्टाइल, और भूमिज शैल, ये 3 तरह के स्टाइल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ
टेम्पल्स ऑफ राजस्थान। तो जब हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, आपको मैं तीनों अलग अलग ये टेम्पल्स पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा कुछ अर्ली सेल्स ऑफ टेम्पल भी थे राजस्थान में जो गुप्ता पीरियड या मॉडर्न पीरियड के टाइम पर थे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान पे जो शुरुआती मंदिर थे, अर्ली टेम्पल्स ऑफ राजस्थान पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखिए, 5 नंबर में पूछ सकते हैं। या ओवरऑल क्वेश्चन पूछ लिया तो महामारू मरु गुर्जर भूमि स्टाइल या वो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान पर एक बड़ा लेख लिखिए, तो 10 मार्क्स में जाएगा। तो आपके चारों पॉइंट आपको बाइफरकेट करके बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से क्लास को हम कवर करेंगे। क्लास के एंड में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के जो टेंपल्स हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा, उनके पूरी लिस्ट बनाकर दे रखी है। तो बाय चांस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि जैसलमेर के मंदिरों के बारे में बताइए या जोधपुर के मंदिरों के बारे में बताइए, तो वो आपको कुछ मंदिर वगैरह ध्यान रहेंगे, उसके आप लिस्ट के अंदर करके आ सकते, लिख कर आ सकते हैं। बेसिकली 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी आज इन दी एग्जाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े तो कुछ फीचर्स हैं टेंपल्स ऑफ राजस्थान के जो आपको पता होने चाहिए, जो पूरे राजस्थान के सभी टेंपल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक्सट्रीमली रिच इन एस्थेटिसिज्म, तो जो उनका आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत टेस्टफुली बनाया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके राजस्थान के टेंपल्स का। इसके अलावा बड़े बड़े आर्चवेज या तोरण द्वार, तो जिसके मंदिर के अंदर हम एंटर करते हैं तो वो बड़े बड़े आर्चवेज हैं वो सारे देखने को मिलेंगे आपको। बड़े बड़े पवेलियन, ये आप देख सकते हैं पवेलियन वाला पार्ट है जिसको मंडप कहते हैं, तो मंदिर के अंदर घुसेंगे तो ये अंदर जाएंगे, ये वाला पार्ट जो मंडप कहलाता है, तो इस तरह के बहुत देखने को मिलेंगे। उपमंडप, कई मंदिर के अंदर छोटे 2-3 वो क्रॉस कर आप गर्भगृह तक पहुंचेंगे तो उसमें उपमंडप होते हैं, एक बड़ा चौक आएगा उसके बाद फिर अंदर छोटा चौक आएगा, फिर उसके अंदर और छोटा चौक आएगा, फिर आप अंदर पहुंचेंगे तो मंदिर तक गर्भगृह तक पहुंचेंगे, तो वो उपमंडप हो जाते हैं। फिर सैंक्टम सैंक्टोरम यानी ओरिजिनल टेंपल या गर्भगृह जिसको हम कह सकते हैं, जहां पर एक्चुअल में भगवान की आपको वो इमेज देखने को मिलेगी, जब मूर्ति होती है या जिसकी भी शिवलिंग है, तो उन सबको हम देख सकते हैं वहां पर। पीक और शिखर, जो आपको मैंने बताया हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला पीक और शिखर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा पद प्रदक्षिणा, चारों तरफ कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं ना कि हम जो भगवान को प्रदक्षिणा करते हैं ऊपर सर्कमफेरेंस के अंदर जो चक्र लगाते हैं, ठीक है, तो वो पद प्रदक्षिणा, और उसको हम कॉरिडोर अराउंड द टेंपल भी बोलते हैं। तो ये वो वाले पार्ट, ये सारे फीचर्स आपको राजस्थान के सभी टेंपल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर स्टाइल इट इज, चाहे वो महामारू शैली का हो, चाहे वो मरु गुर्जर शैली का हो, चाहे वो भूमिज का हो, उन सब में आपको ये सारे के सारे स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, बेसिकली प्रेजेंट होंगे ही होंगे। चलिए, तो अर्ली टेंपल्स ऑफ राजस्थान जो मैंने फर्स्ट स्लाइड बनाई थी कि राजस्थान की जो पुरानी टेंपल्स हैं सबसे पहले कौन कौन सी थी जो पहले से बनी हुई है, उसके अंदर ये लिस्ट सब जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैच करने के हिसाब से भी आ सकते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। दूसरा पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज द अर्ली टेम्पल ऑफ राजस्थान एंड नॉट बिलोंगिंग टू द ईरा ऑफ भूमिज स्टाइल और मरु गुर्जर स्टाइल और महामारू स्टाइल, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले शिव टेम्पल, दर्रा के अंदर जो शिव मंदिर है वो एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर माना जाता है, आपके अर्ली टेम्पल ऑफ राजस्थान का पार्ट है। फिर चारचूमा टेम्पल कोटा के अंदर है, चारचूमा माता का मंदिर है, तो ये वाला आपका मंदिर बहुत पुरानी शैली पुराना मंदिर है। एक माकनगंज कोटा, इसके अलावा शीतलेश्वर महादेव टेंपल झालावाड़ के अंदर, द ओल्डेस्ट और डेटेड टेंपल ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है जो डेट वाइज इसके बात पता रहता है कि किस डेट के बाद कौन कौन से मंदिर बने, वो सबसे उसमें पुराना मंदिर है आपके शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, ओल्डेस्ट डेटेड टेंपल, कब बनाया था उसकी पूरी जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर कांसुआ माता का मंदिर कोटा के अंदर, कांसुआ टेंपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके सारे टेंपल जो है ये अर्ली टेंपल्स के अंदर इंक्लूड होंगे, इनके लिस्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे ये मैच करने के लिए भी आ सकते हैं, प्री में तो वैसे ही पूछ सकते हैं, मेंस के अंदर आपके 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं कि अर्ली टेम्पल्स ऑफ राजस्थान के एग्जांपल बताइए, तो ये सारा ध्यान रखिएगा उसके अंदर। इसके बाद टेम्पल बिल्ट इन महामारू स्टाइल बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार ईरा, तो गुर्जर प्रतिहार का शासन काल है, कई बुक्स में 600 से लेकर 1100 के आसपास का टाइम मिलता है, हम कंपैरेटिवली जो सेफर जोन है वो लेकर चलते हैं कि 700 से 1000 एडी के आसपास का टाइम डेफिनेटली गुर्जर प्रतिहार कालीन था राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये जोधपुर के राजाओं ने इसको लिया, फिर इवेंचुअली अलग अलग जो स्टाइल डेवलप हुए थे या अलग अलग जो रजवाड़े बढ़े थे आगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो महामारू स्टाइल गुर्जर प्रतिहार कालीन माना जाता है, 700 से 1000 AD का जो सेफेस्ट टाइम पीरियड है कि इस वक्त उनका राज था ही था, क्योंकि 11th से 12th century, 13th century तक पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है, बट जो पीक था इनका 700 से 1000 AD तक का टाइम था। तो इनके अंदर जो कौन कौन से मंदिर बनवाए गए थे वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महामारू स्टाइल टेंपल, तो उसमें 3 एग्जांपल इसमें से दे देंगे और एक और आपकी किसी और मंदिर का भूमिज शैली का या प्राचीन शैली का कोई मंदिर दे देंगे, तो वो प्री के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए जो छोटे छोटे टेंपल्स खासतौर से मैं इन बुलेट पॉइंट्स में लेकर आया हूं उनको आपको याद करना चाहिए, वो याद रहेंगे तो बहुत से क्वेश्चन एलिमिनेशन के तौर पर भी आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सोमेश्वर टेंपल किराड़ू बाड़मेर,
तो सबसे बहुत ही मैग्निफिसेंट टेम्पल है मामरू स्टाइल का, 1016 AD में इसको बनाया गया था। और किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर है उनको छोट आपके अगर वैसे ये तो सोमेश्वर टेम्पल है, शिव मंदिर है, ये अलग टेम्पल है, लेकिन जो किराड़ू बाड़मेर के अंदर मंदिर है उनको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है, वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो सोमेश्वर टेम्पल किराड़ू बाड़मेर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हर्ष माता का मंदिर आता है आभानेरी दौसा। देखिए हर्ष माता का मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर नहीं है, उसी के नीचे मैंने बता रखा है। हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर है और जो 11वीं शताब्दी में बना था, और हर्षनाथ की बहन थी उनका हर्ष माता का मंदिर आता है वो आपके आभानेरी दौसा के अंदर आता है, जो आपके बहुत बड़ी बावड़ी भी है चांद बावड़ी दौसा आभानेरी की, उसके पास में ये मंदिर बना हुआ है। 10th सेंचुरी का मंदिर इसको माना जाता है। तीसरा आता है आपके कालिका माता मंदिर, चौथा इनफैक्ट, जो चित्तौड़ के अंदर है, 713 AD, 713 AD के आसपास है। ये पहले सूर्य मंदिर था, बाद में इसके अंदर और डेवलपमेंट किया गया और ये माता का मंदिर बन गया, कालिका माता मंदिर चित्तौड़ के अंदर, बड़ा फेमस मंदिर है। सन टेम्पल ऑफ ओशिया, ये जयपुर जोधपुर के अंदर है, और ओशिया अपने आप में पुरानी जो कैपिटल थी आपके जोधपुर राज मारवाड़ की, वो उसका उसके अंदर मंदिर बना हुआ है। और ये पंचायतन स्टाइल का मंदिर है। पंचायतन स्टाइल का मंदिर क्या होता है, देखिए चार कॉर्नर में चार मंदिर होते हैं और बीच में एक बड़ा मेन मंदिर होता है, ठीक है, उसको हम पंचायतन शैली कहते हैं। पांच मंदिर हो गए, इसके इसके तौर पर हम इसको पंचायतन शैली कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर कुछ मंदिर हैं जो पंचायतन शैली के हैं, एक सूर्य मंदिर है ओशिया जोधपुर का, इसके अलावा आपके जो नाथद्वारा का मंदिर है श्रीनाथ जी का, वो भी पंचायतन स्टाइल पर बना हुआ है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सैमसन टेम्पल ओशिया पंचायतन शैली का पुराना मंदिर है कहाँ पर, आपके जोधपुर के अंदर। फिर ब्रह्म स्वामी मंदिर वरमान सिरोही के अंदर, और महावीर स्वामी मंदिर आपके वत्सराज, वो भी ओशिया के अंदर है, जो वत्सराज ने बनवाया था ओशिया के अंदर है, वत्सराज जो शासक थे गुर्जर प्रतिहारकालीन, उनको उन्होंने बनवाया था महावीर स्वामी का मंदिर। ये जैन टेम्पल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें और भी मंदिर आते हैं, तो हम धीरे धीरे इन सारे मंदिरों को कवर करेंगे। तो आप ये लिस्ट जरूर ध्यान रखिएगा जो महामारू स्टाइल के अंदर बने हुए हैं, जो स्टाइल से बने हुए हैं ये। इसके बाद कुछ स्पेशल सम स्पेशल टेम्पल्स आर ऑल्सो बिल्ट विच आर नॉट गुर्जर प्रतिहार स्टाइल, यानी इसी समय पर गुर्जर प्रतिहार कालीन के दौरान ही कुछ और ऐसे मंदिर बनाए गए थे जो गुर्जर प्रतिहार शैली के नहीं है, ठीक है, नागर शैली के तो है लेकिन गुर्जर प्रतिहार शैली के नहीं है। तो ये पता होने चाहिए कि वो कौन से हैं जो गुर्जर प्रतिहार स्टाइल के नहीं है, ठीक है। तो इसमें बाड़ोली का शिव मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, और एक सास बहू का मंदिर, ठीक है, मदर इन लॉ टेम्पल जिसको मल्टी टेम्पल है नागदा के अंदर, एक जगत अंबिका टेम्पल उदयपुर का, और आपके वर्मा टेम्पल, ठीक है, सिरोही का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वर्माण, ठीक है, वो टेम्पल भी आपके सिरोही का है, ये ध्यान रखिएगा, और आपके जगत अंबिका मंदिर उदयपुर का, और ये मैं आई थिंक ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये सास बहू का मंदिर वाला है, जो सास मंदिर मल्टीपल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है नागदा का, वो है। चलिए इसको मैं आपकी PDF में चेंज कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका मरु गुर्जर शैली या सोलंकी शैली में जो मंदिर बनाए गए थे, ठीक है। तो महामारू आपके गुर्जर प्रतिहार का, मरु गुर्जर सोलंकी शैली के, जो 11वीं से 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ये वो काल था जब मरु गुर्जर शैली और जो सोलंकी जो राजवंश था वो बढ़ रहा था, और इसके जो जो गुर्जर प्रतिहार कालीन था वो अपने टुवर्ड्स डिमिनिशिंग साइड था, वो अपने नीचे गिर रहा था, मतलब खत्म हो रहा था धीरे धीरे, वो है। तो इसमें आता है सबसे पहले सच्चा माता टेम्पल ओशिया जोधपुर का, बहुत फेमस बहुत बड़ा मंदिर है, आज भी बहुत पूजा जाता है। तो सच्चिया माता टेम्पल ओशिया जोधपुर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मरु गुर्जर शैली का। फिर पीपलाड़ माता मंदिर, जो आजकल इसमें पूजा नहीं होती है, ये बंद रहता है, थोड़ी तरह से खंडर की तरह बन गया है, तो पीपलाड़ माता का मंदिर है यहाँ पर। फिर संबेदेश्वर मंदिर चित्तौड़ का, और ये मोकल का संबेदेश्वर मंदिर भी कहलाता है, तो महाराणा मोकल ने इसके अंदर जीर्णोद्धार वगैरह करवाया था, बनवाया था इसको दोबारा से वो। और दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ठीक है, ये आपके चार मंदिर ऐसे हैं जो आपके मरु गुर्जर शैली के बने हुए हैं सोलंकी स्टाइल में। तो इनकी लिस्ट आप जरूर बना के रखिएगा अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर आपके आते हैं भूमिज शैली के मंदिर जो राजस्थान के अंदर थे, ठीक है। तो भूमिज शैली, जैन टेम्पल ऑफ मेवाड़ एंड पाली, ये दोनों आपके भूमिज शैली के मंदिर माने जाते हैं, जो पाली का जो जैन मंदिर है और जो मेवाड़ के जैन मंदिर है वो सारे भूमिज शैली के बने हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर उंडेश्वर मंदिर बिजौलिया का, बिजौलिया भी आपके भीलवाड़ा में पड़ता है आज प्रेजेंट डे, लेकिन उस वक्त मारवाड़ के शासन में था, तो उंडेश्वर टेम्पल बिजौलिया। फिर भंडदेवरा मंदिर रामगढ़ बारा का, इसके अलावा अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़ का, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ का, सूर्य मंदिर रणकपुर का, और सोमनाथ मंदिर जो आपके डूंगरपुर का है, जो कच्छ गपत जो जैन एक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है कच्छ गपत, उनके स्टाइल का बना हुआ है, ठीक है। तो ये सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर का जो है ये भी आपके जैन स्टाइल में बना हुआ है, तो कच्छ गपत इसको भी ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनकर आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सूर्य मंदिर आपके ओशिया का मैं बता चुका हूँ, झालावाड़ का भी आपने ध्यान रखिएगा, झालरापाटन के अंदर जो पड़ता है, और रणकपुर का, ये सारे सूर्य मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके भूमि शैली के मंदिर हो जाते हैं।
इसके बाद अब आप जो हम एक करें कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर उनको डिस्कवर कर लेते हैं और उनको कवर भी कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चौमुखा माता का मंदिर, चौमुखा जैन टेम्पल आपके रणकपुर पाली के अंदर है। और ये जो मंदिर था ये आपके धरनक शाह ने बनवाया था, महाराणा कुंभा के समय का ये एक सेठ था, उन्होंने इसको मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जैन टेम्पल है, ठीक है। तो लॉर्ड आदिनाथ जो आपके जैनियों के सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जैन मुनि के, उनको ये आपके उनके डेडिकेटेड ये मंदिर है। जो मेहा नाम के पोएट थे उन्होंने इसको त्रैलोक के दीपक कहा है 1439 AD के आसपास, ये कुंभाकालीन ही वो रहे हैं पोएट। तो मेहा जो पोएट थे उन्होंने त्रैलोक के दीपक कहा है इस मंदिर को, ठीक है। इट वॉज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ शिल्पी देपाक, शिल्पी का मतलब होता है आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट देपाक। अब कई जगह इसका नाम दीपक भी देखने को मिलता है और कई जगह इसका नाम देपाक भी देखने को मिलता है। तो ज्यादातर राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उसका नाम इन्होंने देपाक मिला है, तो आप ये देपाक ही नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड टू नलिन गुलमा विमान बाय ज्ञान विमल सूरी। तो एक जैन मुनि थे ज्ञान विमल सूरी, उन्होंने इसको नलिनी गुलमा का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नलिनी गुलमा विमान एक तरह से विमान वो जो देवताओं के साधन को कहा जाता था, ठीक है, देयर वे ऑफ मूविंग, और उसके उस ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर उनको विमान वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर आप हम्पी में जाएंगे तो हम्पी में आपको जितने भी जो पांडव थे पांचों पांडव के विमान के तौर पर मंदिर मिलते हैं, ठीक है। द्रौपदी का विमान वाला मंदिर है, युधिष्ठिर का, भीम का, अर्जुन का, नकुल सहदेव का कंबाइंड मंदिर है हम्पी के अंदर। आपको लिपाक्षी के पास ये सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, उनको विमान के तौर पर बनाया गया, ठीक है। तो जो ट्रैवलिंग अडोब ऑफ गॉड्स उसको हम विमान कहते हैं। तो इसी मंदिर को नलिन गुलमा का है, किसने, ज्ञान विमल सूरी ने, जो आपके जैन मुनि थे। इस मंदिर के अंदर एक बड़ा असेंबली हॉल भी है जो जिसके अंदर टेंपल के अंदर चारों तरफ दरवाजे निकलते हैं और उसके बीच में से छोटा मंदिर जाता है जिसको हम खूट का मंदिर कहते हैं, ठीक है। तो खूट का मंदिर कहाँ पड़ता है, आपके चौमुखा जैन मंदिर के अंदर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर 24 कॉरिडोर हैं, पवेलियंस हैं, 84 शिखर हैं और 1444 पिलर्स हैं। तो मैक्सिमम पिलर्स वाला कोई टेम्पल है तो वो यही है चौमुखा जैन मंदिर आपके रणकपुर पाली का, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट मंदिर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो दूसरा मंदिर है इंपॉर्टेंट, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर राजस्थान का। ये वो स्वर्ण मंदिर नहीं है आपके अमृतसर वाला, हरमिंदर साहिब वाला नहीं, पर दूसरा। अब ये भी बना उस तरह से है और इसके ऊपर भी सोनी का पानी चढ़ाया हुआ है, इसकी दीवारों पर परत चढ़ाकर वो बनाया गया है। तो इसको हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। ये है फालना पाली के अंदर, पाली में एक जगह छोटा सा कस्बा है फालना, वहां पर बनता है। और इसको हम गेटवे ऑफ गोढ़ावल या मिनी मुंबई वाला मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो गेटवे ऑफ गोढ़ावल या मिनी मुंबई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लाइन बनकर एग्जाम में आ सकता है कि किस मंदिर को मिनी मुंबई या गेटवे ऑफ गोढ़ावल के नाम से जाना जाता है। फिर मूछाला महादेव टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मूछाला महादेव घानेराव पाली के अंदर है और इट हैज अ स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी, जो जैन मुनि है महावीर जी, जो तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, उनको मूछों के साथ वो देखने को मिलता है। तो मूछाला महादेव वाला मंदिर है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि मूछाला महादेव का मंदिर किस जगह पर है, तो घानेराव पाली के अंदर है, किसको डेडिकेटेड है, तो ये आपके महावीर स्वामी को डेडिकेटेड है, जैन मुनि थे उनका है, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके आता है नाथद्वारा टेम्पल, राजस्थान के वन ऑफ दी फेमस टेम्पल्स में से एक। नाथद्वारा हर साल लाखों का चढ़ावा आता है, बहुत पुराने मंदिर है श्रीनाथ जी। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पूजा होती है श्रीनाथ जी की, कृष्ण को डेडिकेटेड मंदिर है बेसिकली, तो उनका एक फॉर्म है श्रीनाथ जी, तो जो डेडिकेटेड वो बाल रूप के अंदर होती है। तो जो श्रीनाथ जी का जो रूप है वो बाल रूप है, और आप देख सकते हैं ये वाला फोटोग्राफ है, इमेज है पूरी इनकी, और एक तरह से इन्होंने ये वाला जो हाथ है इसके ऊपर इन्होंने पर्वत को उठाया था, तो उसको गोवर्धन पर्वत को, तो उसी फॉर्म के अंदर मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। और ये महाराणा राज सिंह थे जो मेवाड़ के, उन्होंने इसको निर्माण करवाया था। अच्छा है ये राजसमंद के अंदर, श्रीनाथ जी राजसमंद के अंदर, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि नाथद्वारा कहीं उदयपुर में तो नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, उदयपुर पूरा राजघराना था मेवाड़ का, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट थी राजसमंद, जो बाद में डिस्ट्रिक्ट बन जाती है, राजनगर पहले नाम रखा था क्योंकि राज सिंह ने बसाया था, तो इसका नाम पहले उन्होंने राजनगर रखा था, उसके बाद इसका नाम राजसमंद कर दिया गया था। तो ये राजसमंद के अंदर मौजूद है मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंबानी की काफी आस्था है और वो रेगुलरली यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, खासतौर से कोकिला बेन अंबानी जो मदन है बोधी अंबानी, उनकी बहुत हमेशा रेगुलरली आती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। इस मंदिर के पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं और उसमें सबसे प्रोमिनेंट बात यही है कि जो गोस्वामी जी थे, जो इनके जो दाऊजी जो मंदिर था, वो दाऊजी महाराज जब क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ना बहुत शुरू कर दिया था, आफ्टर ही केम टू पावर उसने कई मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया था, तो दाऊजी महाराज जो थे, जो उस टाइम पे फाउंडर थे, उस टाइम पे रक्षक थे आपके जो ये इनके श्रीनाथ जी के, वहां से लेकर आए थे वृंदावन से, तो वो इनके विरुद्ध को लेकर आए थे। विरुद्ध मतलब जो मूर्ति होती है उसको हम विरुद्ध कहते हैं, ठीक है। तो उस विरुद्ध को लेकर आ रहे थे और क्योंकि औरंगजेब तोड़फोड़ मचा रहे थे मंदिरों की, तो वो उनको लेकर निकल रहे थे और उन्होंने उनको इस विरुद्ध को बैलगाड़ी में रखा और लेकर आए राजस्थान की तरफ।
और उन्होंने मन में बांध, उनको स्वप्न आया था, उन्होंने सोच लिया था कि स्वप्न में उनको ऐसा बताया गया कि जहां पर ये बैलगाड़ी रुक जाएगी उसी जगह मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। तो वहां से निकल रहे थे, तो जैसे ही मेवाड़ से निकलते हैं तो नाथद्वारा के पास बैलगाड़ी का पहिया फंस जाता है मिट्टी के अंदर। तो उस जगह मान लेते हैं कि भाई यहीं पर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। तो ये बात पहुंचाई गई राज सिंह के पास, और राज सिंह बहुत ही एक प्रोमिनेंट रूलर थे, औरंगजेब के अगेंस्ट खड़े होने वाले अकेले आई थिंक जो इम्पोर्टेंट शासक थे मेवाड़ के, तो वो यही थे औरंगजेब के अगेंस्ट में खड़े होने वाले महाराजा महाराणा राज सिंह। तो राज सिंह को बिल्कुल बहुत खुशी हुई कि वो मंदिर, वो ठाकुर जी जो है जिनको ठाकुर जी कहा जाता है, तो वो यहीं बैठना चाहते हैं, यहीं विराजमान होना चाहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं इनका बहुत भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्गी, क्योंकि वो वल्लभ संप्रदाय के थे गोस्वामी जी, तो वो पुष्टि मार्गी उन्होंने शुरू किया, जो अपना सेक्ट है जो संप्रदाय पुष्टि मार्गी संप्रदाय शुरू किया, और उन्होंने इसके श्रीनाथ जी के मंदिर का वहां पर निर्माण करवाया। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अच्छा इस कुछ और वैसे मैं यही बता देता हूँ इंपॉर्टेंट बातें। ये जो मंदिर है ये हवेली कहलाते हैं। ठीक है, तो श्रीनाथ जी के जो मंदिर है वो अपने आप में हवेली कहलाते हैं। वो हवेली इसलिए कहलाते हैं कि इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया गया, एक तो पहले पंचायतन शैली के तौर पर निर्माण करवाया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंचायतन शैली के तौर पर इसका निर्माण ध्यान रखिएगा, और ये हवेली की तरह मतलब मकान की तरह देखने में लगते हैं, क्योंकि उनका आइडिया क्या था कि कहीं पर भी किसी भी मुगल को ये पता ना चले कि इस मंदिर इस तरह से बनाए गए हैं, तो कि यहाँ पर मंदिर बना हुआ, तो इस तरह से बनाए गए थे कि देखने में हवेली लगे, तो इनको हवेली टेम्पल्स भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा, इस मंदिर के अंदर जो संगीत बजता है उसी को हम हवेली संगीत कहते हैं। तो क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि हवेली संगीत किससे रिलेटेड है, तो आप बताइएगा भक्ति रस, कृष्ण की भक्ति रस, या नाथ द्वारा जी के जो राज श्रीनाथ जी हैं उनकी भक्ति के तौर पर जो गीत गाए जाते हैं उसको हवेली संगीत कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हवेली संगीत कहाँ का फेमस है, तो नाथ द्वारा टेम्पल का फेमस है या राजसमंद का फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है पिछवाई। पिछवाई हालांकि आर्ट का पार्ट है, और पिछवाई एक तरह की पेंटिंग है। तो ये आप मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगा हुआ होता है। ठीक है, उस पर्दे के ऊपर कृष्ण के जीवन के सारे वृत्तांत बनाए हुए होते हैं, ऑल द एपिसोड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णास लाइफ आर पेंटेड ऑन इट, तो उसको हम पिछवाई कहते हैं। बड़ी बहुत ही एक पूजनीय वस्त्र होता है, तो मंदिर के पीछे हमेशा लगाया जाता है, तो उसको पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। पिछवाई पेंटिंग बड़ी फेमस है नाथ द्वारा की, कई लोगों ने शौक है, जो भगवान को चोला चढ़ जाता है उसके बाद वो उतारता है, तो उसको फ्रेम करवाकर लगाया जाता है, तो बहुत ही पुरानी और बहुत ही खूबसूरत कला है। तो पिछवाई पेंटिंग्स भी किससे रिलेटेड है, आपके नाथ द्वारा मंदिर से रिलेटेड है। जरूर ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन हवेली संगीत, पंचायतन शैली, हवेली के हवेली टेम्पल्स कौन से हैं, पिछवाई टेम्पल क्या फेमस है, तो ये सारे के सब पुष्ट मार्गीय संप्रदाय किससे रिलेटेड है, तो सबका सब कुछ श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद से रिलेटेड है। तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपके आता है द्वारकाधीश मंदिर, जो भी काकरोली राजसमंद के अंदर है। तो इनको अच्छा एक और चीज, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट यहाँ पर, कि श्रीनाथ जी को सात ध्वजों का नाथ कहा जाता है, सप्त ध्वजा या सात ध्वजों का नाथ भी कहा जाता है, सात ध्वजों का नाथ। ठीक है, या सप्त ध्वज, सप्त ध्वज। अब ये सारे हिंदी की टर्म्स हैं, आपको हिंदी में ही याद रखनी पड़ेगी, इंग्लिश में अगर पेपर में लिखने भी है तो भी आप सात ध्वजों का नाथ सप्त ध्वज इसी नाम से लिख के आइएगा, उसको इंग्लिश कर दीजिएगा SAPTWHA। ठीक है, सप्त ध्वजा, ठीक है, सप्त ध्वजा नाथ इस तरह से रखिएगा। वो इसीलिए क्योंकि इस तरह से सात मंदिर वृंदावन से शिफ्ट हुए थे, जो राजस्थान में अलग अलग जगहों पर आए थे। ठीक है, कोई काकरौली के अंदर आया था, कोई आपके कामा के अंदर आया था, मथुरा के अंदर आए थे, मथुराधीश के मंदिर, तो ये सारे सात ध्वजों के नाथ को, लेकिन सबसे जो फेमस सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है वो श्रीनाथ जी का टेम्पल माना जाता है, तो इसलिए सात ध्वजों का नाथ इनको श्रीनाथ जी को कहा जाता है। उसी तरह का एक मंदिर है आपके द्वारकाधीश टेम्पल, जो आपके काकरौली राजसमंद के अंदर है, जो ये भी महाराणा राज सिंह मेवाड़ के, तो उन्होंने बनवाया था। एंड दिस इज वन ऑफ द सेवन सेक्रेट श्राइन्स ऑफ द वल्लभ सेक्ट, जिन सात ध्वजों की मैं बात कर रहा हूँ उसी में से श्रीनाथ जी होते हैं, एक आपके ये द्वारकाधीश होते हैं, फिर मथुराधीश हो जाते हैं, इस तरह के बहुत से मंदिर हैं, तो वो सारे उसमें जो सात मंदिर हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो द्वारकाधीश टेम्पल को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल जो फोटोग्राफ है वो यही है आपके द्वारकाधीश टेम्पल की, राजसमंद काकरौली के अंदर, काकरौली भी यहीं पर है। ठीक है, एक लिंग जी का मंदिर है वो भी काकरौली के अंदर है, वो भी राजसमंद के अंदर आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सारे टेम्पल हम आगे करते जाएंगे लेकिन कहीं इनको कनेक्ट करते हुए चलिएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट मंदिर आता है कृष्ण का, गोविंद देव जी टेम्पल, जो जयपुर के अंदर है, लोकेशन जयपुर, और सवाई जय सिंह जो थे जयपुर के शासक संस्थापक थे, इन्होंने जिस जब जयपुर बसाया था तो उसका नाम जयनगर रखा था, बाद में इसका नाम इवेंचुअली चेंज होकर जयपुर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा एक तो आप, और ये गौड़ीय संप्रदाय का फेमस मंदिर है। ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय का जो मंदिर है सबसे फेमस मंदिर है, जिससे स्थापना मानी जाती है, तो वो आपके गोविंद देव जी का मंदिर है। ठीक है, और इसको जयपुर के आराध्य देव के तौर पर भी माना जाता है, तो जयपुर के बहुत फेमस आराध्य देव के, जो अगर माना जाए कि जयपुर कौन पूजा, जयपुर का सबसे बड़े पूजनीय मंदिर कौन सा है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कई लोगों की, भाई मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी हो सकता है, वो माधो सिंह जी ने बनाया था,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर जो है जो आराध्य देव जयपुर के माने जाते हैं वो है आपके गोविंद देव जी, ठीक है, और बहुत पुराना मंदिर है। जब जयपुर बसाया गया था 1727 के आसपास, उसके बाद इनकी मूर्ति लाकर यहाँ पर स्थापित करी गई थी। पहले आमेर के पास मूर्ति स्थापित की गई थी, बाद में उसको शिफ्ट करके गोविंद देव जी टेम्पल में लेकर आए थे। जो नया मंदिर बना हुआ, नया मंदिर परिसर जो प्रमाइसिस है वहां पर इनको सेटल कराया गया था। तो ये गोविंद देव जी का टेम्पल वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में ट्रिविया इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ऐसा कहा जाता है, मतलब मैंने भी सुना ही है बड़ों से, क्योंकि आई लिव इन जयपुर, तो बहुत लोगों से सुना है मैंने, कि अगर कभी सृष्टि में प्रलय आती है, एनी टाइप प्रलय मतलब से कभी एकदम बिल्कुल ही एंड ऑफ अर्थ की सिचुएशन आती है, तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो जगह बचेंगी। एक बचेगी आपके ये जयपुर और दूसरा बचेगा आपका ये मथुरा, ठीक है। तो वो इसीलिए क्योंकि वृंदावन और आपके जयपुर, क्योंकि दोनों जगह पर एक्चुअल जो कृष्ण के विरुद्ध हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा इसलिए कि मथुरा इसलिए नहीं बचेगा, मथुरा से पलायन कर गए थे। द्वारकाधीश इसलिए वैसी आधी समझ है पानी के अंदर, क्योंकि जब वो छोड़ के गए थे पृथ्वी को कृष्ण, तो उन्होंने कहा था कि जब समुद्र से वादा किया था कि जब मैं जाऊंगा तो आपकी जो जमीन जो मैंने ली है वो वापस करके जाऊंगा, तो द्वारका सबमर्ज है इसीलिए। और जयपुर और आपके वृंदावन, ये दो ऐसे जहां पर एक्चुअल मूर्ति मानी जाती है कृष्ण के, जो एक्चुअल उनकी एक तरह से कह लीजिए प्रेजेंस जो फील कर सकते हैं लोग, तो उसके इन दो जगहों को माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए बड़ी फेमस है, ट्रिविया है, हो सकता है दंत कथाएं हो, पर फेथ डज नॉट रिक्वायर अ रीजन, बिलीफ डज नॉट रिक्वायर अ रीजन, वो वाली बात है। तो ये बनाया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ा फेमस मंदिर है गोविंद देव जी का, जो जयपुर वाले में सब जानते होंगे, और आप लोग जो बाहर के हैं अगर कभी जयपुर आने का मौका मिले और नहीं गए हो तब तक, तो जरूर दर्शन कीजिएगा। फिर आपके आते हैं अंबिका मंदिर। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर के अंदर बड़ा फेमस है, और जो आपको मैंने पहले बताया था अभी, अंबिका मंदिर वही अंबिका मंदिर है जो हम पहले महावारु शैली में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जो महावारु से मेरा मतलब है कि जो गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं था उसके बाद जो मंदिर थे, ठीक है, उसके तरह बने अंबिका मंदिर जगत का उदयपुर का। 925 AD के आसपास निर्मित हुआ मंदिर है, 925 AD में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और इसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। देखिए मेवाड़ या खजुराहो की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। मेवाड़ खजुराहो कौन सा है? आपके जगत मंदिर उदयपुर का, जगत अंबिका, इसको जगत अंबिका मंदिर भी कहते हैं, जगत मंदिर भी कहते हैं, अंबिका मंदिर जगत भी कहते हैं, तो दोनों तीनों नामों से आप ध्यान रखिएगा। और इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो आपके किराड़ू बाड़मेर, तो दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक किसी ने गाड़ी स्टार्ट करी, आई जस्ट कम बैक, आई जस्ट वन सेकेंड। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस पीपल, तो बुलेट स्टार्ट होती है तो आवाज़ तो करती है दादा। चलिए विल मूव। सो ये मंदिर आप ध्यान रखिएगा, अंबिका मंदिर आपके खजुराहो का मेवाड़। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मंदिर है जगदीश मंदिर, ये भी उदयपुर का है, और महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था, और अंदर सुपरविजन ऑफ अर्जुन, सूत्रधार भाणा और मुकुंद। अब ये देखिए, जो अर्जुन थे वो शिल्पी थे, और भाणा और मुकुंद की देखरेख में मंदिर बनवाया गया था, तो जगत सिंह फर्स्ट के टाइम की बात है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, एंड द आइडल इज मेक ऑफ ब्लैक स्टोन, तो पूरे काले मंदिर से, काले ब्लैक स्टोन जो होते हैं, मार्बल टाइप स्टोन होते हैं, ग्रेनाइट के बने होते हैं, तो एकदम बहुत शाइनिंग बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें इनका निर्माण करवाया गया था। इसको सपनों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, टेम्पल मेड ऑफ ड्रीम्स, सपनों का मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो ये इसकी फोटोग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सपनों का मंदिर, सपनों से बना मंदिर, ये कौन सा किस मंदिर के बारे में कहा जाता है, तो जगदीश टेम्पल उदयपुर, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका एकलिंगजी मंदिर लकुलीश, जिनको कहते हैं, ये भी कैलाशपुरी आपके उदयपुर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये एकलिंगजी मंदिर का फोटोग्राफ है, और ये उनकी जो मंदिर के जो गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति रखी है शिव की, वो है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, लकुलीश एक संप्रदाय है, तो जो शैव मत को मानते हैं उसके अंदर लकुलीश को फाउंडर माना जाता है, ठीक है। लकुलीश जो आपके जो एक ऋषि थे, एक तरह से ऋषि मान सकते हैं, शिव का अवतार मान सकते हैं उनको, उनके नाम पर ये मंदिर बनाया गया है, और ये कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। ये बापा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, बापा रावल एकलिंग जी का बहुत माना हुआ भक्त था, और वो उसने क्या किया था, बापा रावल ने, बाद के महाराणाओं ने भी इसी तरह से उसको फॉलो किया है, उन्होंने एकलिंग जी को वास्तविक शासक माना है उदयपुर का, मेवाड़ का, और वो दीवान के तौर पर काम करते हैं एकलिंग जी के।
तो बेसिकली देखिए, आइडिया शुरू से यही रहा है इंडिया के अंदर कि जो भगवान है, जो शासक है, वो जो शासक है वो भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मंदिरों में, जैसे फॉर एग्जांपल सोमनाथ के अंदर जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात का, वहां पर भी सोमनाथ को ही वास्तविक शासक माना जाता था गुजरात के अंदर। ऐसे ही पद्मनाभ स्वामी को केरला के जो वर्मा, जो फैमिली, रॉयल फैमिली थी मार्तंड वर्मा की, उन्होंने पद्मनाभ जी को वास्तविक शासक माना है, वहां खुद को दीवान के तौर पर मानते थे। तो ऐसे ही मेवाड़ के अंदर भी जो महाराणा रहे हैं, उन सब ने एकलिंग जी को वहां का वास्तविक शासक माना है और खुद ने दीवान के तौर पर राजकाज की देखरेख का काम शुरू किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मंदिर है जहां पर एक डायमंड स्टडेड स्नेक, तो शिव को जो ये स्नेक दिया, जो चढ़ाया गया है, इसके ऊपर हीरे जड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो सर्प है वो शेषनाग, जिसकी हम बात करते हैं, तो वो सर्प ये डायमंड का बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इनको मेवाड़ के राज परिवार का कुल देवता भी माना जाता है। किसको? एकलिंग जी को। ठीक है, कुल देवी अलग अलग है और कुल देवता आपके मेवाड़ के अंदर एकलिंग जी को माना जाता है। इसके बाद एक विष्णु टेम्पल भी राणा कुंभा ने यहाँ पर बनाया था, जिसको हम मीराबाई का मंदिर कहते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर के अंदर जो वहां पर मीरा जो है वो बहुत भजन गाया करती थी और काफी फेमस मंदिर है वहां पर। तो भजन उसी मंदिर के अंदर काफी ज्यादा शुरुआत जो हुई थी उनका, जो बेसिक जो इनिशियल इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु या कृष्ण, तो वो इसी मंदिर से शुरू हुआ था, आपके मीराबाई का जो मंदिर है विष्णु टेम्पल के अंदर, जो यहाँ पर एकलिंग जी के अंदर बना हुआ, मंदिर के परिसर में ही बना हुआ है वो वाला। इसके बाद इट इज द ओनली प्लेस डेडिकेटेड टू पशुपति सेक्ट ऑफ राजस्थान। तो पशुपति संप्रदाय, जिसके प्रपाउंडर आपके लकुलीश थे, उनके संप्रदाय को डेडिकेटेड एकमात्र मंदिर है राजस्थान का, लकुलीश टेम्पल। ठीक है, फिर नाथ संप्रदाय के आपको जोधपुर में मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह के अलग अलग मंदिर, अलग संप्रदाय थे, शिव के शैव मत के जो अलग अलग मत वाले संप्रदाय थे, पशुपत संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है लकुलीश टेम्पल एकलिंग जी का, जो राजस्थान में है। और इसके आसपास जो परकोटा है वो महाराणा मोक्कल ने उसका निर्माण करवाया था, जो आज प्रेजेंट डे में, और जो कंस्ट्रक्शन है वो बाद में महाराणा हरि सिंह ने करवाया था। ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट कई बुक्स में मेंशन रहती है, तो मैंने सोचा कि लेट्स पुट इट अप, तो कोई कंप्लीट एक ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन आपको इस जगह मिल जाए, इसीलिए बेसिक आइडिया यही था। चलिए, इसके बाद अगला मंदिर सास बहू का मंदिर, जिसको हम सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, देखने में बड़ा खूबसूरत सा लगता है, ये बड़ा मंदिर है। इसके पास एक छोटा मंदिर है, उसको हम बहु मंदिर कहते हैं, बड़ा मंदिर है वो सास मंदिर कहलाता है, और ये भी नागदा उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो नागदा उदयपुर बड़ी फेमस जगह है और वहां पर ये मंदिर बना हुआ। एक नागदा आपके एमपी में भी है, जहाँ पर बड़ी केमिकल फैक्ट्री वगैरह वगैरह है, तो ये नागदा दूसरा है, ये आपके उदयपुर में है जहाँ पर सास बहू का मंदिर है, और ये मरु गुर्जर शैली का बना हुआ मंदिर है। ठीक है, और भगवान विष्णु को समर्पित है। जो बड़ा मंदिर है वो सास मंदिर कहलाता है, जैसे मैंने बताया आपको, और ये और जो दूसरा मंदिर है वो मार्बल में बने हुए हैं, वो छोटा मंदिर है, वो बहु मंदिर कहलाता है। तो इसके अंदर ब्रिक्स यूज हुई है, देख लीजिए, अब ये ब्रिक्स का बना हुआ है, ये मार्बल नहीं है, ये ब्रिक्स का बना हुआ है। तो ये आपके सास मंदिर है, छोटा वाला मंदिर जो है वो आपके बहु मंदिर है, वो मार्बल से बना हुआ है। इसके अलावा ये दूसरा अगला मंदिर है वो आपके संबेदेश्वर मंदिर है, मोकल का मंदिर, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, मोकल का संबेदेश्वर मंदिर से कहकर आप याद कर सकते हैं। और ये चित्तौड़ के अंदर है, और ये भोज परमार था मालवा का, उसने बनवाया था। देखिए, इनिशियल मंदिर का निर्माण आपके भोज परमार ने करवाया था। संबेदेश्वर मंदिर के नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये इसने मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, तो मोकल का संबेदेश्वर मंदिर इसके नाम से जाना जाता है। और वही चीज मैंने लिखी है कि महाराणा मोकल ने इसको रेनोवेट करवाया था, तो ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ के अंदर है, इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है संबेदेश्वर टेम्पल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके सावलिया माता, सावलिया जी का मंदिर, ये विष्णु को डेडिकेटेड मंदिर है, आपके सावलिया मंदिर मंडफिया चित्तौड़ के अंदर, ये उसी मंदिर के इमेज है, तो ये ध्यान रखिएगा, सॉरी ये वाली। तो सावलिया मंदिर चित्तौड़ मंडफिया के अंदर है, और इस मंदिर के बारे में एक फेमस बहुत ही है कि चित्तौड़ के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर ओपियम की, ठीक है, अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है और इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो यहाँ के जो जो ओपियम के ट्रेडर्स हैं या जो उसकी कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, अब ये भी मैंने सुना है बट जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सही चीज़ ही है, क्योंकि कई जगहों से मैंने कई मल्टीपल सोर्सेज सुन रखी है, ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो सांवलिया सेठ को, ये मंदिर में सेठ कहा जाता है भगवान को, ठीक है, सांवलिया सेठ, तो सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, तो हर साल लाखों का चढ़ावा चढ़ता है इस मंदिर के अंदर। बेसिकली कहानी ये है कि ये लोग क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं ओपियम की, विच इज सिन गुड और बैंड है और इलीगल भी मानी जाती है, तो उसके अंदर ये भगवान को बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। वो सोचे कि अगर पाप हमको लगेगा तो भगवान को हम भागीदारी बनाएंगे, तो शायद पाप कम लगे या बिल्कुल ही ना लगे, तो भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, और जितना बोल के जाते हैं कि भाई मैं 10% 20% जितना भी अपना जो फायदा है, मुनाफा है, उसका मंदिर में दान करूंगा, चढ़ाऊंगा। तो इस तरह से ये मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो सावलिया सेठ मंदिर के नाम से बड़ा फेमस मंदिर है ये, और मंडफिया चित्तौड़ के अंदर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस जगह लोकेटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, चित्तौड़ तो खैर वैसे भी सब लोग बता देते हैं, पर मंडफिया एग्जैक्ट लोकेशन है ये पता होनी चाहिए। इसके बाद एक आपके आदिनाथ टेम्पल है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, भगवान आदिनाथ जो जैन मुनि थे,
पहले तीर्थंकर थे उनका डेडिकेटेड टेम्पल है। 1031 में विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था, जो एक भीम शासक थे, चालुक्य शासक थे गुजरात के, ठीक है। गुजरात में जब चालुक्य शासकों का रूल चल रहा था, उनके शासक थे भीम, उनका ये एक कोर्टियर कह लो या उनका एक एक दरबारी था, जिसने विमल शाह ने आकर इसका निर्माण करवाया था। हुआ क्या था, सिरोही पर कब्जा कर लिया था इस वाले पार्ट पर शासक भीम ने, और उसके एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर विमल शाह को भेजा था, और विमल शाह ने बाद में दोस्ती भी करवाई थी मेवाड़ और आपके चालुक्य शासकों की। तो उसके उस दौरान जब ये वहां पर रहते थे, उस वक्त इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, और जिन्होंने राजस्थान के हिस्ट्री के ऊपर एक्सटेंसिवली बहुत लिखा है, ट्रैवल किया है, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में कोई सुपर स्ट्रक्चर है जो ताजमहल के बाद है, तो वो आपके विमल शाह का ये मंदिर ही है जो आदिनाथ टेम्पल है। मतलब सुपर स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त बना हुआ, बहुत बड़े लेवल पर बना हुआ कोई मंदिर है, तो वो आपके आदिनाथ टेम्पल ही है, ऐसा कहा था आपके कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद नेमीनाथ या देवरानी जेठानी का मंदिर, तो सास बहू का मंदिर आपने पढ़ ही लिया, अब ये देवरानी जेठानी का मंदिर भी आ जाता है। ये भी आपके माउंट आबू के अंदर ही है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो आपके चालुक्य शासक धवल के एक मिनिस्टर थे, वस्तुपाल तेजपाल, ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और शिल्पी शोभन देव, जो आर्किटेक्ट थे इसके देवरानी जेठानी मंदिर के, वो आपके शिल्पी शोभन देव थे। तो आर्किटेक्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु वॉज द आर्किटेक्ट, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बनवाया किसने था, आपके वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था। इसमें भगवान नेमीनाथ की काले ब्लैक स्टोन के अंदर एक आइडल बनी हुई है, रखी हुई है, बहुत ही शाइनिंग आइडल है, तो वे आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर दो बड़े बड़े एंट्रेंसेज हैं, ठीक है, बड़े बड़े गेटवेज बना रखे हैं, जिनको हम देवरानी जेठानी गवाक्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ जो ये एंट्रेंसेज आते हैं, ये इधर आपके देवरानी जेठानी टेम्पल्स के गवाक्ष के नाम से जाने जाते हैं, इनको ध्यान रखिए। गवाक्ष यानी कि कॉरिडोर, गेटवे मान लो, कॉरिडोर मान लो, ठीक है, वो चीज़। तो किसको समर्पित है ये भी ध्यान रखना, नेमीनाथ को समर्पित है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किस भगवान को समर्पित है, नेमीनाथ को, वो आदिनाथ थे इससे पहले वाले, ठीक है। फिर किसने बनवाया था, वस्तुपाल ने बनवाया था। शिल्पी यानी आर्किटेक्ट कौन था, तो आपके शोभन देव था, ठीक है, कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर। तो ये चीजें सारी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला टेम्पल है आपके शिला माता का मंदिर, ठीक है, शिला माता कह लो, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। और कहानी ये है इसके पीछे की, जो मानसिंह थे, जो मेवाड़ आमेर के शासक थे, मेवाड़ के तो नहीं, आमेर के शासक थे, और वो 16th सेंचुरी में जब उनको गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, तो उस वक्त वहां से इस मूर्ति को लेकर आए थे, और 16th सेंचुरी के अंदर, तो वहां पे इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो पूरा मार्बल आर्टवर्क जो बना हुआ मंदिर के बाहर पूरा, ये मंदिर नहीं है इनका, मंदिर ये वाला ही है, ये मूर्ति रखी हुई गर्भ, ये आपके जगत की, जगत शिरोमणि टेम्पल की, तो उसकी बात होगी, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल जो मंदिर है वो आमेर फोर्ट के अंदर ही है, ठीक है, आमेर फोर्ट के अंदर ही है, और शिला माता को बंगाल से जीत कर लाए थे। और 1906 के अंदर मार्वल जो सवाई मानसिंह सेकंड थे, जो लास्ट रूलर बनते हैं, अर्शवाय रूलर ऑफ जयपुर में रहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसका जो भार मार्बल काम है वो भी वो सवाई मानसिंह सेकंड ने करवाया था 1906 के अंदर। बड़ी ही बहुत छोटी सी मूर्ति है, और काले रंग की है, ठीक है, ध्यान रखिए, ब्लैक सैंडस्टोन की बनी हुई है। और अगर आप गौर से देखेंगे इस मूर्ति में, अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो फेस है वो थोड़ा सा एक तरफ मतलब मुड़ा झुका हुआ है, ये खास बात है, खूबसूरत बात है इस मूर्ति की, ठीक है। तो ओरिजिनल जो मूर्ति है वो इसी तरह की है, जो बनाने वाले ने, जिसने भी इनका मूर्ति बनाई होगी ओरिजिनली, बहुत पुरानी मूर्ति है, तो उसका ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक तरफ मुंह इसका झुका हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद आपके जगत शिरोमणि मंदिर, ये भी आमेर के अंदर ही, आमेर का जो प्रमाइसिस है फोर्ट का, उसी के अंदर है, और जयपुर के अंदर है ये भी, ठीक है। ये क्वीन कंकावती थी, जो महाराजा मानसिंह की पत्नी थी, क्वीन कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की मेमोरी में, जगत सिंह का पुत्र था महाराणा महाराजा मानसिंह का, जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी मेमोरी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, आमेर फोर्ट के प्रमाइसिस के अंदर ही ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो पुराने जो रजवाड़े होते थे, मंदिर फोर्ट के अंदर ही बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे, चाहे आप चित्तौड़ के अंदर देख लीजिए, चाहे आप कुंभलगढ़ में देख लीजिए, आमेर में देख लीजिए, मेहरानगढ़ में देख लीजिए, सब जगहों पर ऐसा ही रहा है। मंदिरों बड़ा एक अपने आप में सिटी होता था पूरा फोर्ट, ठीक है, सारी सुविधाएं सब कुछ चीजें वहां पर मिल जाया करती थी, उसके बाहर भी आसपास सिटी बसी हुई होती थी, लेकिन मेन गढ़ जो होता था वो फोर्ट होता था उस जगह का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर भी जो जगत शिरोमणि के अंदर क्या है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, ब्लैक सैंडस्टोन के अंदर बनी हुई मूर्ति है, और ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा आपके मीराबाई भी करती थी, ठीक है। तो उसी की पूजा यहाँ पर, उसी मूर्ति को लाकर ये मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो वो उसी मूर्ति को लाकर यहाँ पर संस्थापना करवाई थी इसकी जगत शिरोमणि टेम्पल के अंदर, कनकावती जो थी आपके महाराजा मानसिंह की जो वाइफ थी उन्होंने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके हर्ष माता का मंदिर, जो मैंने बताया आभानेरी दौसा के अंदर है, आभानेरी जो चांद बावड़ी है उसके पास फेमस जगह है, वो वहीं ये मंदिर बना हुआ है।
और ये जो है गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये लिस्ट मैंने आपको पूरी बता दी थी, ये हर्षद भी कह सकते हो, हर्षद ठीक है, हर्षद माता का मंदिर भी कह सकते हो और हर्ष माता का मंदिर भी कह सकते हो, आवनेर दौसा के अंदर है ठीक है। और यहाँ कृष्ण और बलराम की पूरी जो लेजेंड है, उनकी जो कहानी है, वो सारी यहाँ पर एनग्रेव करी हुई है उस दौरान मंदिर के जब ये बनाया गया था। तो पूरा अगर कृष्ण और बलराम को डेडिकेटेड मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है। हर्षद माता का मंदिर है और कृष्ण बलराम को भी डेडिकेटेड है टेम्पल, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, ये सारे स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, जिस हिसाब से क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है तो वो काफी डिटेल्ड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इन चीज को। मेन फोकस आपका आर्ट एंड कल्चर के ऊपर होना चाहिए बजाय हिस्ट्री के ठीक है। राजे रजवाड़ों की हिस्ट्री वगैरह एक आधा क्वेश्चन आएगा तो एक या दो मैक्सिमम मान लो, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर के आएंगे ठीक है। बुक्स हो गई आपके, ये मंदिर हो गया, पेंटिंग्स हो गई, इसके अलावा फोर्ट्स हो गए ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे। फिर आपके आता है हर्ष महादेव का मंदिर ठीक है। हर्ष महादेव का मंदिर है सीकर के अंदर है, जस्ट वन सेकंड ठीक है। हर्ष महादेव का मंदिर आपके सीकर के अंदर है, ये मंदिर की एक्चुअल फोटोग्राफ है, काफी बड़ा इसका आप ग्रीवा देख सकते हैं ठीक है। ये भी आपके नागर शैली का बना हुआ मंदिर है और काफी बड़ी ग्रीवा है, ये इसका कलश हो गया, ये इनका जो मंडप हो गया, तो ये ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी मंडप तो ये हो गया, अंदर जाके गर्भगृह हो गया, तो ये पूरा ध्यान रखिएगा। तो सीकर के अंदर मंदिर है और ये विग्रहराज सेकंड उनके द्वारा 973 AD में बनाया गया था। विग्रहराज जो अजमेर के चौहान वंश के शासक थे उन्हीं की बात हो रही है, विग्रहराज सेकंड उनके द्वारा बनाया मंदिर था। और ये आपके कुल देवता किनके माने, चौहान शासक के कुल देवता माने जाते हैं ठीक है। तो चौहान शासक के कुल देवता कौन हुए, हर्ष महादेव मंदिर जो हर्ष थे उनको माना जाता है। और इसके अंदर भगवान विष्णु और ब्रह्मा को भी ऐसे शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा देते हुए देखा गया, मतलब उस बनाया गया मंदिर वैसा बनाया गया है कि जहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ये दोनों के दोनों शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं ठीक है। तो वो ऐसा इस तरह का इन्होंने मंदिर के अंदर जो आइडल रखा उसके ऊपर ऐसी इमेजेस देखने को मिलती है ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके ये हर्ष की पहाड़ियों पर है मंदिर, बहुत काफी ऊंची हाइट पर बसा हुआ है, हर्ष की पहाड़ियां जो है सीकर के अंदर, वहां पर जाकर ये मंदिर बना हुआ है। फिर आपके आता है जीण माता टेम्पल, और जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सीकर के अंदर ठीक है। ये माता जी की एक्चुअल फोटोग्राफ है जीण माता की वो है, और हर साल 2 मेले लगवाए जाते हैं यहाँ पर हर नवरात्रों के अंदर, चैत्र नवरात्र में और अश्विन नवरात्र में, दोनों में जो नवरात्र आते हैं सर्दी और गर्मी के नवरात्र, उनके अंदर इस मंदिर के अंदर यहाँ पर मेला लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा जीण माता टेम्पल सीकर रेवासा, बड़ा फेमस मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके आता है आशापुरी माता का मंदिर, और ये जालौर की कुल देवी मानी जाती है, जालौर के जो सोनगढ़ चौहान शासक थे उनकी कुल देवी मानी जाती है। जालौर के अंदर ही आशापुरी माता का मंदिर है, और जो जालौर का जो रॉयल एम्बलम है उसके अंदर जय माता आशापुरी का भी नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो मंदिर है। और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे महिषासुर मर्दिनी ठीक है, महिषासुर को मारने वाली, महोदरी माता, मोदड़ा माता, ये दोनों तीनों नाम इनके हैं, तो ध्यान रखिए। खासतौर से मोदड़ा माता के नाम से पूछा जा सकता है कि मोदड़ा माता किस राजवंशी कुल देवी मानी जाती है, तो आप वैसे तो जानते हैं कि आशापुरा माता सोनगढ़ चौहानों की है, लेकिन यही वो मोदड़ा माता है जिनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो सोनगढ़ चौहान जो थे जालौर के उनके ये मानी जाती है ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला आता है इंपॉर्टेंट मंदिर आपके त्रिनेत्र गणेश जी का ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी आपके सवाई माधोपुर के अंदर है, ये 3 नेत्रों वाले गणेश जी माने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पूजा होती है वो सिर्फ गणेश जी के सर की पूजा होती है ठीक है, नीचे धड़ की पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पूरा बड़ा सारा जो मंदिर लगा हुआ है वो आपके सिर्फ आपके गणेश जी के मुख की पूजा होती है पूरी ठीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जिसको हम गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, भाद्रपद के महीने में आती है, बेसिकली सितंबर एंड में, अगस्त एंड में, सितंबर के अंदर ये मंदिर ये आपके उस मत में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, तो वहां पर ये आपके पूजा होती है ठीक है। तो त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर ठीक है, अगर वैसे पूछे बेसिकली तो रणथंभौर, एक और सब फाइनल वो आंसर पूछ लें, अदरवाइज सवाई माधोपुर। बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल गणेश चतुर्थी पे, बहुत बड़ा मेला लगता है, इनफैक्ट हर चतुर्थी पे, हर महीने की हर चतुर्थी पे, या फोर्थ डे ऑफ एवरी मंथ एज पर द हिंदू कैलेंडर, काफी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं ठीक है। तो ये ध्यान रखिए त्रिनेत्र गणेश टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल फ्रॉम रणथंभौर सवाई माधोपुर। ये सब मैच करने के लिए भी आ सकते हैं, अब ये ध्यान रखिएगा ठीक है, ये सब मैच करने के लिए भी आ सकते हैं ठीक है। इसके बाद आपके ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का टेम्पल है आपके सोरसन 12 के अंदर। सोरसन वही जगह है जहां पर एक बहुत बड़ी आपके बर्ड सेंचुरी भी है, तो सोरसन 12 वही बर्ड सेंचुरी वाली जगह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी, तो वो आपके सोरसन 12 के अंदर है। और यहाँ पर देवी के पीठ की पूजा की जाती है, बैक ऑफ द गॉडेस इज वर्शिप। ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि किस मंदिर में देवी के पीठ की पूजा की जाती है, तो वो है ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता टेम्पल 12 सोरसन 12। तो पीठ का श्रृंगार किया जाता है, उसको सजाया ऐसे जाता है जैसे वो देवी का फेस है, लेकिन वहां पर पीठ की पूजा होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है,
कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन से मंदिर में देवी की पेट की पीठ की पूजा होती है, तो आप ध्यान रखिए ब्राह्मणी माता मंदिर सोरसन पारा। अगला मंदिर है शीतलेश्वर महादेव, ठीक है, जो मैंने बताया आपको ओल्डेस्ट डेटेड टेम्पल ऑफ राजस्थान, महामारू शैल का बना हुआ है, 689 AD में मंदिर बनाया गया था, राजस्थान का पहला डेटेड या ओल्डेस्ट डेटेड टेम्पल मान सकते हैं उसको आप, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। झालरा पाटन झालावाड़ यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, हड़ौती का पार्ट है और बड़ा फेमस, बहुत बड़ा पुराना मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आपके आता है कासुआ शिव टेम्पल, ठीक है, कासुआ शिव मंदिर, ये आपके शिव मंदिर का है, कासुआ शिव मंदिर की फोटोग्राफ है और ये कोटा के अंदर लोकेटेड है और ये गुप्ता पीरियड का मंदिर है, ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर है कासुआ शिव टेम्पल, ठीक है। तो ये देखिए महामारू नहीं है, मरु गुर्जर नहीं है, आपके भूमि शैली का भी नहीं है, तो राजस्थान में जो अर्ली टेम्पल पीरियड से अर्ली पीरियड टेम्पल्स थे उनमें से एक है आपके गुप्तकालीन मंदिर जो कासुआ शिव मंदिर है और ये चतुर्भुज शिवलिंग है, ठीक है, यहाँ पर इनके चार हाथ माने गए हैं, ठीक है, इसके अंदर जो शिवलिंग है ना उसके ऊपर इमेज बनाई हुई चार हाथों की, इसीलिए इसको चतुर्भुज शिव मंदिर कहा जाता है, ठीक है। इस मंदिर के अंदर एक दो तीन और इसके पीछे वाला जो पार्ट है चार, उस जगहों पर ये शिव के फोर हैंड्स के इम्प्रिंट्स देखने को मिलते हैं जिसने ये शिवलिंग बनाया था उस तरह का, तो चतुर्भुज शिवलिंग के तौर पर है। ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि चतुर्भुज शिवलिंग के कहां पर स्थित है, राजस्थान में चतुर्भुज शिवलिंग किस जगह स्थित है, तो कासुआ शिव मंदिर में स्थित है, ओनली प्लेस वेयर दिस काइंड ऑफ टेम्पल एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कासुआ शिव मंदिर कोटा। इसके बाद अगला मंदिर आता है सन टेम्पल ऑफ या पद्मनाथ टेम्पल, झालावाड़ का सूर्य मंदिर, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और ये मरु गुर्जर शैली का बना हुआ मंदिर है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है मरु गुर्जर शैली का बना हुआ मंदिर, इसको सात सहेली मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली रीजन क्या है सात सहेली मंदिर ये मेरे को नहीं पता, लेकिन सात सहेली मंदिर भी कहा जाता है इसको। और ये सूर्य मंदिर और भगवान विष्णु इन दोनों के मैन जो 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 वो लगी हुई है जो इमेज है, ठीक है, जो डीटी है वो विष्णु और सूर्य के दोनों को मैनरिज्म से मिलाकर बनाई हुई है, ठीक है, तो इसीलिए ये सूर्य मंदिर है, पद्मनाथ टेम्पल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कर्नल जेम्स स्टोन ने इसको चार भुजा मंदिर भी कहा है, ज्यादातर चार भुजा नाथ जो है या इस तरह के मंदिर है वो ज्यादातर देवियों के लिए टर्म यूज होती है, लेकिन यहाँ पर भी इस मंदिर को सूर्य मंदिर को या पद्मनाथ टेम्पल को दोनों तरह से चार भुजा मंदिर भी कहा है, कर्नल जेम्स स्टोन ने कहा है, ठीक है। इसके ऊपर हाईली अनलाइकली कोई क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर सात सहेली मंदिर आपसे पूछ सकते हैं, किस स्टाइल का बना हुआ मंदिर है ये आपसे पूछ सकते हैं, लोकेशन क्या है इस मंदिर की ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है शाकंभरी माता का टेंपल, ठीक है, शाकंभरी माता आपके सांभर जयपुर के अंदर मंदिर है, ये क्वेश्चन आपसे RAS के आई थिंक 12 या 13 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है कि शाकंभरी माता का मंदिर राजस्थान में किस जगह है, किस की कुलदेवी की, तो ये चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो ये मंदिर का डेवलपमेंट या माता के नाम पर जो मंदिर बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ था कि राजस्थान में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था एक वक्त, ठीक है, तो उस वक्त शाकंभरी माता ने, इनका नाम शाकंभरी बड़ा शाख से, शाख यानी कि वेजिटेबल, शाख सब्जी, ठीक है, हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स, तो इन्होंने कहा था कि माता ने अपने आप को जमीन में उनको बोया गया था, उसके बाद उस जमीन से या उस सूखे से आजादी मिलती है लोगों को, वहां पर उनके बहुत ज्यादा हरियाली होती है, उसके बाद काफी शाख सब्जियां आना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इनके नाम पर शाकंभरी माता मंदिर पड़ता है, ठीक है। ऐसी दंत कथाएं हैं, अब असलियत तो खैर ना मैं जान सकता हूँ ना आप जान सकते हैं, बट जो पुरानी बातें हैं वो इस तरह की हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। हर देखिए राजस्थान में या फॉर दैट मैटर एनी वेयर इन इंडिया जो मंदिर है, और फॉर दैट मैटर एनी गॉड और एनी ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया, देयर हैव सम स्टोरी बिहाइंड इट, तो उस स्टोरी को डिपेंड करता है आप कितना मानना चाहते हैं, अदरवाइज बिलीफ को, जैसे मैंने कहा बिलीफ डज नॉट क्वेश्चन एनीथिंग, तो वहाँ जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर आस्था है, वहाँ सवाल खत्म हो जाते हैं, बैकडोर पे वो बाहर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। देन इफ यू हैव टू हैव साइंटिफिक टेंपर देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द रीजनिंग बिहाइंड इट, लेकिन वो आम जन के मन में विश्वास और आस्था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस, ओवरऑल एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादातर लोग क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, बट ये अगर साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना है तो आई थिंक क्वेश्चन उठाए जाने चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हो, ठीक है, नॉट टू डिमीन एनीथिंग बट टू फाइंड द रीजन बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खाटू श्याम टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है और दाता रामगढ़ सीकर के अंदर है ये, महाराजा अभय सिंह जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और यहाँ पर हर महीने के यहाँ पर हर फाल्गुन और कार्तिक के महीनों में यहाँ पर मेला लगता है, इनफैक्ट जो तारीख होती है वो 11 की होती है, फाल्गुन की 11 को, ठीक, 11 यानी कि 11th डे ऑफ द मंथ, ठीक है, और कार्तिक की 11 को बहुत बड़े फेमस बड़े मेले लगते हैं यहाँ पर, इनफैक्ट कई लोग ऐसे हैं जो हर 11 को, हर महीने की 11 को पैदल पदयात्रा करके खाटू श्याम जी जाते हैं, ठीक है, तो बड़ा बहुत जयपुर के आसपास के बहुत फेमस मंदिरों में से एक माना जाता है ये, और बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। वैसे भी राजस्थान के अंदर भगवान विष्णु और कृष्ण को वैष्णव संप्रदाय का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है, तो सारे लोग जो मंदिर
वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, वहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना, मेले और कहानियाँ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। तो खाटू श्याम जी कहाँ पर है? सीकर, मत याद रखिए, पूरा नाम याद रखिए, दाता रामगढ़ सीकर, ठीक है, जो कस्बा है सीकर के अंदर, वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इसको ध्यान रखिए। अगला है महामंदिर। महामंदिर आपके जोधपुर के अंदर है और महाराजा मानसिंह ने 1805 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। आयसनाथ जो उनके गुरु थे आपके महाराजा मानसिंह के, उनको ये डेडिकेटेड मंदिर था। और ये नाथ संप्रदाय का एक बहुत माना हुआ एक गढ़ या बहुत फेमस मंदिर माना जाता है। नाथ भी एक शैव संप्रदाय के अंदर एक माइनर सेक्ट है नाथ संप्रदाय, और महाराजा मानसिंह जो जोधपुर के थे वो काफी इन्फ्लुएंस में थे आयसनाथ जी के, और उन्हीं को डेडिकेट करके मंदिर बनाया था। तो काफी उनकी बात माना भी करते थे, उनका ये मानना था महाराजा मानसिंह का कि जो उनको राज मिला था, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे भीम सिंह, वो इनकी हत्या करना चाहते थे। बाद में भीम सिंह इवेंचुअली नेचुरल कॉजेस से मर जाते हैं और महाराजा मानसिंह को जोधपुर का राजपाट हासिल होता है। तो एक और ये भविष्यवाणी आयसनाथ ने पहले ही कर दी थी कि आपको इस तरह से राजपाट मिल जाएगा। तो ये जोधपुर के अंदर ये बड़ा फेमस मंदिर है, उसको ध्यान रखिएगा। और नाथ संप्रदाय का मेन गढ़ माना जाता है आपके ये महामंदिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रावण टेम्पल। तो बिल्कुल आपने सही सुना, राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर रावण की भी पूजा करी जाती है, और वो है मंडोर जोधपुर के अंदर। देखिए, मंडोर को रावण का ससुराल माना जाता है, तो रावण की जो पत्नी थी, पटरानी थी मंडोदरी, वो मंडोर की ही मानी जाती है, मंडोर की ही रहने वाली मानी जाती है, और इसीलिए रावण को यहाँ का जमाता या जवाई माना जाता है। तो ये नॉर्दर्न जोधपुर के अंदर बना हुआ है और ये पूरी इंडिया का फर्स्ट रावण टेम्पल माना जाता है। हालांकि श्रीलंका में भी रावण की पूजा होती है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा अकेला एकमात्र मंदिर है जहाँ पर रावण की पूजा होती है जो राजस्थान के अंदर है, और क्योंकि राजस्थान में इसको उसका जमाता माना जाता है इसीलिए, ठीक है, जोधपुर के अंदर रावण टेम्पल। और ये ध्यान रखिएगा, ये इसके अंदर के जो गर्भगृह है उसकी फोटोग्राफ है, इस तरह की जल चढ़ाते हुए शिवलिंग को, क्योंकि रावण शिव बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो थोड़ी देर आप कह लीजिए कि एफर्ट उसके इम्पैक्ट को निगेट करने के लिए भी शिवलिंग की स्थापना करी गई है, या व्हाटएवर द एक्स वाई जेड द रीजन में भी, लेकिन ये उस तरह का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आप कहता है सुंधा माता टेम्पल, ठीक है। सुंधा माता आपके जालौर के अंदर सुंधा माता टेम्पल है, बड़ा ही फेमस मंदिर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बाहर की बाउंड्री किले जैसी बाउंड्री लगती है, अंदर इस तरह का पूरा बना हुआ है, और ये सुंधा माता जी की फोटोग्राफ है, इमेज है, मतलब फोटोग्राफ का इमेज है पूरी उसकी, ठीक है। तो ये अगर लोकेशन जालौर के अंदर है, और गॉडेस चामुंडा, ठीक है, उनकी यहाँ पर आइडल लगी हुई है, चामुंडा यानी कि जिन्होंने चंद्रमुंड की का वध किया था, उनके नाम पर चामुंडा का मंदिर पड़ता है, तो चामुंडा वो, और जालौर इनकी प्राइमरी पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है। राजस्थान का जो पहला रोपवे बनाया गया था, रोपवे मतलब कि एक पहाड़ी एरी और एक पहाड़ी एरी, तो दोनों के बीच में ट्रैवल करने के लिए एक पालकी टाइप कह लो, या आप एक जो कार होती है, जो पैसेज कार होती है, उसको लेकर वो इस तरह से बांध दी जाती है, और ये ट्रैवल करके यहाँ पर जाते हैं। तो वो रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, फर्स्ट रोपवे क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का फर्स्ट रोपवे कहाँ बना हुआ है, तो सुंधा माता सुंधा हिल्स में बना हुआ है, ठीक है। तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर ट्रैवल करने के लिए वो बनाया गया है, जालौर के अंदर है, चामुंडा देवी को डेडिकेटेड है, ठीक है। सुंदा माता यहाँ पर ही, सुंदा माता अभ्यारण भी है, सुंदा माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बेयर को प्रिजर्व करने के लिए, बेयर यानी भालू, ठीक है, तो भालुओं को प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो बनाई गई है, वो आपके यही बनी है सुंदा माता वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके रसिया बालम टेम्पल, और ये रसिया बालम आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर है, और इट इज नेम्ड आफ्टर द अमोरसली शेप्ड आइडल ऑफ अ यंग मैन एंड वुमन सीटेड देयर। तो देखिए, ये कोई छेड़खानी के देवता भी माने जाते हैं, और बड़ा ही खूबसूरती से, बड़े ही अमोरस वे के अंदर इसका आइडल बना हुआ है, इसीलिए इनको रसिया माता टेम्पल माना जाता है। और यहाँ पर इनको कुमारी कन्या मंदिर भी कहते हैं, जो कुमारी कन्याएं होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, जिनकी शादी नहीं होती है, अच्छे वर की आस के अंदर यहाँ पर पूजा भी करती है, ठीक है। सो दे दी वुमेन हु आर नॉट मैरिड, अनमैरिड फीमेल्स कम हेयर, ऑफर देयर यू नो सर्टन गुड्स, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑफर करते हैं उनको, और अच्छे पति के लिए, ठीक है, फॉर अ बेटर हस्बैंड, उसकी कामना करती हैं, पूजा करती हैं उनके लिए। तो रसिया बालम मंदिर टेम्पल आपके सिरोही के अंदर, आबू माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एक्चुअल इमेजेस है रसिया बालम मंदिर की, ये दिस वन। चलिए इसके बाद आपके ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर एकमात्र जगह है राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर है जो आपके ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड है, तो वो पुष्कर के अंदर है ब्रह्मा मंदिर। और चतुर्मुखी ब्रह्मा की मूर्ति है, चार भू है उनकी, एक दो तीन और पीछे की तरफ चौथा। तो ब्रह्मा को वैसे भी चतुर्मुखी माना जाता है, और चारों तरफ सृष्टि के, क्योंकि वो ऑपरेटर है, सब ध्यान रखते हैं, तो चारों तरफ उनका ध्यान रखने की वजह से ही ये आपके चतुर्मुखी ब्रह्मा कहलाते हैं। उसी तरह का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, पूरे इंडिया में एकमात्र मंदिर है जो ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। दिस टेम्पल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। और इंटेक नाम की कंपनी है जो ब्रह्मा टेम्पल को हेरिटेज पिलग्रिमेज साइट के तौर पर डेवलप कर रही है, ठीक है, इंटेक कंपनी है एक,
जो यहाँ पर पूरे मंदिर को एक हेरिटेज पिलग्रिमेज साइट के तौर पर डेवलप कर रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह बढ़ा रहे हैं वहाँ पर और थोड़ी उसके अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं मंदिर के, ताकि ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके उस दौरान के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर एक सावित्री टेम्पल भी है इस मंदिर के अंदर जो बना हुआ है, ठीक है। सावित्री को बेसिकली ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है, उन्हीं को डेडिकेटेड ये मंदिर है सावित्री टेम्पल पुष्कर के अंदर। यहाँ पर ब्रह्मा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इस मंदिर का निर्माण हो रखा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके रंगनाथ मंदिर, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था द्रविड़ियन स्ट्रक्चर का बना हुआ एक मंदिर एक राजस्थान में भी है अजमेर के अंदर, जिसको हम रंगनाथ मंदिर कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि साउथ के जो मंदिर होते हैं जैसे मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का, इस तरह के मंदिर इस तरह गोपुरम बने हुए होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह के ट्रायंगुलर शेप गोपुरम बने हुए होते हैं। तो ये आपके उसी तरह का मंदिर बना हुआ है राजस्थान में अजमेर में, ठीक है। और ये सबसे ये जो आपके द्रविड़ियन शैली का सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान का, सदन के दक्षिण की जो शैली होती है जिसको हम द्रविड़ियन शैली कहते हैं, DRAVIDIA द्रविड़ियन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर उसके तौर पर बना हुआ है। और यहाँ पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह जो विष्णु का ही अवतार थे, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था प्रहलाद के कहने पर गोद में लेकर, कि भाई ना दिन में मेरे को हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वो ले लिया था, एक वरदान ले लिया था, बून ले लिया था कि भाई ना मैं दिन में मरूँ ना मैं रात में मरूँ ना मैं घर के अंदर मरूँ ना मैं घर के बाहर मरूँ ना मैं किसी अस्त्र से मरूंगा ना मैं किसी शत्रु से मरूंगा, ना मुझे कोई आदमी मार सकता है ना मुझे कोई औरत मार सकती है ना मुझे कोई जानवर मार सकता है, तो इस तरह का उसने वर ले लिया था। तो भगवान विष्णु ने, क्योंकि हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का, तो उसने क्या किया, विष्णु उसको अपने पिता ने उसको दीवार के अंदर उसको मतलब पिता उसको मारना चाहता था क्योंकि वो विष्णु का भक्त था और वो विष्णु के कट्टर दुश्मन हिरण्यकश्यप, तो उन्होंने उसको मारने के लिए उस मंदिर में कई कई तरह के वो अपनाए थे हथकंडे, होलिका भी उसी होलिका दहन भी उसी के तौर पर देखते हैं हम लोग, ठीक है, पहाड़ी से फिकवाया वगैरह था, इस तरह सारी दंत कथा आई एम श्योर आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, तो जो स्टोरी थी पूरी वो पढ़ी होगी। तो उसको मारने के लिए फिर नरसिंह भगवान का अवतार लेते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो वही नरसिंह की जो मूर्ति है वो यहाँ पर है। एक नरसिंह मंदिर जयपुर में भी है, जयपुर में एक जगह एमआई रोड वहाँ पर एक नरसिंह मंदिर वहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है। तो नरसिंह की देवी लक्ष्मी की आइडल और भगवान विष्णु की आइडल इस मंदिर में उनकी पूजा की जाती है रंगनाथ टेम्पल में। रंगनाथ भगवान का विष्णु का ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा। साउथ के अंदर रंगनाथ मंदिर बहुत से होते हैं, भगवान विष्णु को ही उनका अवतार माना जाता है। फिर अगला है मंदिर आपके ये फेमस है गोपुरम स्ट्रक्चर, ये गोपुरम इसको हम गोपुरम कहते हैं, ठीक है, ये जो बड़ा ट्रायंगल से मैंने शेप बनाया है आपके सामने भी, ये आपके वही है। तो ये इसके बाद अगला आता है आपके दधीमती माता टेम्पल। दधीमती माता मंदिर आपके गोट मंगलोद नागौर के अंदर है, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह की खेती के लिए बड़ा फेमस जगह है आपके, खेती क्या उसकी स्कोरिंग के लिए, ठीक है, उसको निकाला जाता है, उसकी जो रिसोर्सेज है बहुत मिलते हैं गोट मंगलोद नागौर के अंदर। महामारु शैल का मंदिर है और दधीच ब्राह्मणों की ये कुल देवी मानी जाती है। दधीमती माता मंदिर यानी कि दधीच ब्राह्मणों की जो कुल देवी है उनको डेडिकेटेड है। महामारु शैल का बना हुआ मंदिर है और जगह का है गोट मंगलोद नागौर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मंदिर की फोटोग्राफ है और ये आपके माता की फोटोग्राफ है देवी की। इसके अलावा आपका अगला आता है गंगा मंदिर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मंदिर बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है पूरा। भरतपुर के अंदर इस मंदिर को निर्माण करवाया गया था, भरतपुर के जाट महाराजा थे महाराजा बलवंत सिंह ने 1846 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये जो गंगा माता की जो मूर्ति है वो इनके पिताजी श्री वीरेंद्र सिंह ने यहाँ पर लाकर स्थापित करवाई थी। 90 साल लगे थे इस पूरे मंदिर का निर्माण करवाने में। तो आप देख भी सकते हैं मंदिर की, हालांकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी ह्यूज काफी स्टर्डी देखने को लगता है और इस तरह के पिलर्स बने हुए हैं। ये छोटा सा आपके डूम देख सकते हैं, हवेली टाइप का उसमें से वो देख सकते हैं। ये भी पंचायतन शैली का बना हुआ मंदिर है, ध्यान रखिएगा, गंगा माता का मंदिर, ठीक है, महाराजा बलवंत सिंह और भरतपुर उन्होंने बनवाया था। अगला आपके आता है कैला माता का मंदिर। कैला देवी कह लो कैला माता कह लो, ये कैला माता का मंदिर है और ये करौली के अंदर है। यदुवंशी शासक थे जो आपके करौली के, यदुवंशी वंश के जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और आपने लांगुरिया नाम के गीतों के बारे में सुना होगा, लांगुरिया जो भजन होते हैं तो लांगुरिया भजन इन्हीं के लिए गाए जाते हैं कैला देवी के अंदर। यहाँ पर एक हनुमान मंदिर भी है। तो दोनों मंदिरों के अंदर आने वाले जो जो यात्री होते हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं वो सारे वो सब लोग लांगुरिया गीत गाते हुए आते हैं। और क्योंकि वो लांगुरिया शब्द निकला है लंगूर से, लंगूर इज यूज फॉर लॉर्ड हनुमान, ठीक है, तो लंगूर से निकला हुआ है तो ये इसीलिए लांगुरिया गीत गाते हैं। तो आजकल जो कैला देवी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो कैला देवी के लिए भी लांगुरिया गीत गाते हैं और हमारे जो माता है आप जो जो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर करौली में उसके लिए भी लांगुरिया गीत गाते हुए आते हैं, ठीक है। दोनों के लिए माना जाता है, प्राइमरीली ये गीत माने जाते हैं कैला देवी के मंदिर के लिए। लेकिन रीजन क्या उसके पीछे वो मेरे को बता दें, इनके बाहर निकलते बड़ा सा एक मंदिर है हनुमान जी का, उसके लिए भी गीत गाते हुए आते हैं जब ये यात्रा करने, पदयात्राएं बहुत चलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके डिग्गी के अंदर भी जो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है वहाँ पदयात्रा होती है, ऐसे आपके खाटू श्याम जी की पदयात्रा होती है,
ऐसे आपके महावीर जी की पदयात्रा होती है, कैला देवी की पदयात्रा होती है, बहुत सी पदयात्रा यहाँ पर बड़े बहुत फेमस हैं, बहुत लोग जाते भी हैं। ठीक है, अगर आप जाते हैं वृंदावन तो वहाँ पे गोकुल गोवर्धन पर्वत की पदयात्रा होती है, पद प्रदक्षिणा पूरी होती है, तो वो रेगुलरली करते रहते हैं। मैं भी काफी जाता हूँ उन चीज़ों में, तो काफी एक कह सकते हैं ना आपकी असेसमेंट के तौर पर और खुद के लिए जो जब आप उसको ट्रैवल कर रहे होते हो तो एक अलग ही लेवल का एक सबमिसिवनेस आपके दिमाग में रहती है, तो वो अच्छा रहता है, कभी फील वैसी होनी भी चाहिए। चलिए अगला है मदन मोहन मंदिर करौली, ये भी कृष्ण को डेडिकेटेड है, सात ध्वजों में से एक मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट आपके एक मदन मोहन टेम्पल करौली के अंदर लोकेटेड है। 1805 में इसका निर्माण करवाया था महाराजा गोपाल सिंह, करौली के शासक थे गोपाल सिंह, ये भी यदुवंशी शासक थे, ठीक है, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। और इसकी जो मूर्ति है वो जयपुर से लेकर गए थे मदन मोहन जी, ठीक है, कृष्ण के विरुद्ध का ही फॉर्म माना जाता है, अब गोविंद देव जी के विरुद्ध का, लेकिन ये आपके गोविंद देव जी वाले संप्रदाय से रिलेटेड है, जो गौड़ीय संप्रदाय है, माधवाचार्य जी का बना हुआ मंदिर है ये, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, सात ध्वजों में से इसको भी एक माना जाता है, ठीक है, मदन मोहन टेम्पल आपके करौली का, और ये आपके माधव गौड़ीय संप्रदाय को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उनकी एक्चुअल मूर्ति है जो, या जो गर्भगृह है उसके अंदर जो फोटो रखी हुई है वो इस तरह की रखी हुई है, जो मूर्ति बनी है वो इस तरह की बनी हुई है। इसके बाद अगला आता है आपके त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी, ये आपके तलवाड़ा बाड़मेर बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, तलवाड़ा बांसवाड़ा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो ये बहुत फेमस मंदिर त्रिपुरा सुंदरी का, और इनको भगवती माता का मंदिर भी कहा जाता है, द टेम्पल हैज आइडल ऑफ भगवती माता राइडिंग ऑन द लॉयन, ठीक है, इनको तुरतई माता भी कहा जाता है, तो तीनों नाम इनके ध्यान, तुरतई माता, भगवती माता और त्रिपुरा सुंदरी, ये तीनों के तीनों मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है, और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, दो अलग अलग जगह, तलवाड़ा बांसवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का, यहाँ पर ये अश्वभुजा माता है, आठ हाथ है इनके, चार एक तरफ चार एक तरफ, और ये शक्तिपीठ माना जाता है, जो पुरान प्राचीन काल का शक्तिपीठ इसको माना जाता है। अभी जो नए शक्तिपीठ है वो अलग है, जैसे आपके वैष्णो देवी है वो अलग शक्तिपीठ है, ज्वाला देवी है, नैना देवी है, तो इस तरह के सारे जो मंदिर है वो अलग शक्तिपीठ है, ठीक है, ऐसे ही आपके ये प्राचीन समय का शक्तिपीठ माना जाता है, किसको, आपके त्रिपुरा सुंदरी माता को या तुरतई माता को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान में शक्तिपीठ कहाँ पर है, आपके बांसवाड़ा के अंदर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, और कौन सी माता को डेडिकेटेड है वो आपकी तुरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता, इनको ध्यान रखिएगा। फिर आपके आते हैं संत माव जी, माव जी अपने आपको विष्णु का अवतार बताया करते थे, तो माव जी को डेडिकेटेड टेम्पल है संत माव जी, और सबला गाँव है डूंगरपुर के अंदर, जहाँ मेला भी लगता है, ठीक है, और ये आपके पंचपीर में से एक है, ठीक है, ठीक है, तो माव जी जो है आपके सबला विलेज डूंगरपुर में इनका मंदिर है, इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इन कलयुग का उनका अवतार माना जाता है, तो वो मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा ये मंदिर है आपके देव सोमनाथ टेम्पल, ये डूंगरपुर के अंदर है, और दिस टेम्पल इज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोम एंड हैज फाइन आर्किटेक्चर, तो आप आर्किटेक्चर देख ही सकते हैं, उसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है, हालांकि तो रख रखाव की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा येलोइश वगैरह हो रखा है, बट स्टिल वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, और इसके सामने बिल्कुल इस बैंक के नदी है उसके बाहर बसा बना हुआ मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से देखने का, अगर कभी मौका मिले, मैंने एक बार देखा भी है मंदिर, पर मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त इतनी डिटेल हिस्ट्री भी पता नहीं थी, आई मस्ट बी इन 7th-8th standard, तो 12-13 साल के होते हैं, तो इतना ध्यान दिया भी नहीं, तो घूमते फिरते वैसे दर्शन किए हुए, तो देव सोमनाथ टेम्पल डूंगरपुर के अंदर बड़ा फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, खास तौर से आपको मंदिरों में ना किसको डेडिकेटेड है और किसके लिए बना हुआ है, किस जगह पर बना हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछने कि कौन सा मंदिर कहाँ बसा हुआ है, राजस्थान के आरएस 2018 में कम से कम चार सवाल मंदिरों के ऊपर पूछे हुए थे। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, फिर कोई उसको किसको डेडिकेटेड है, कोई अलग सा मंदिर है वो है, कौन बनवाने वाला था, ये तीसरा पॉइंट, तो ये तीन चार पॉइंट ध्यान रखेंगे आपके मंदिर सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जहां जहां मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है कई जगहों से, तो वो जितना भी मेरे को मिल पाता है वो सारा मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको कुछ ऐड ऑन मिले बिल्कुल डेफिनेटली आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर या आप बाकी उसको मुझे दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, ये एक लाइव सेशन नहीं है, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, सो अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ आप और एक्स्ट्रा चीजें में ऐड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर या चैट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करिएगा, आई रेगुलरली गो थ्रू ऑल माय वीडियोस, कि इसमें कोई अपडेट है तो उसके हिसाब से मैं वो चीजें यहाँ कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर मेरे डॉक्टर वरुण शर्मा के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे रखा है, वहां पर आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी वहाँ पर मौजूद हैं, आप मुझे मैसेजिंग के थ्रू चैट करके भी बात कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है मुझे टू रीच आउट मी। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेणेश्वर महादेव मंदिर, बेणेश्वर धाम का मंदिर, जो बेणेश्वर मंदिर होता है, आई एम श्योर सबने जो आर एस की तैयारी कर रहे हैं सबसे ज्यादा बेणेश्वर मंदिर के बारे में सुना होगा, और ये नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है,
और ये ऐसा मंदिर है जहां पर शिव की खंडित रूप की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, धसा हुआ है, उसकी पूजा करी जाती है। और बहुत बड़ा मंदिर लगता है माघ पूर्णिमा को, ठीक है, जिसको हम कुंभ वागर का कुंभ भी कहते हैं, ठीक है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का रीजन है उसको हम वागर भी कहते हैं, उस जगह को डूंगरपुर बांसवाड़ा के रीजन को हम वागर भी कहते हैं, तो इसलिए वागर का कुंभ माना जाता है। और ये मेला आप देख रहे हैं कुंभ की तरह से बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर हर साल माघ पूर्णिमा पे, माघ मास की पूर्णिमा पर, और ये मंदिर लगता है। और यहाँ तीन नदियां आती हैं, सोम, माही और जाखम, इन तीनों के जो कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी, तो इनके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर ये मंदिर बसा हुआ है, ये टापू सा है यहाँ बीच में, यहाँ पर इस मंदिर को बसा हुआ है, ये मंदिर है वो बेणेश्वर महादेव टेम्पल, और ये इस तरह का मेला लगता है। तो तीन नदी में डुबकियां लगाने आते हैं, जैसे कुंभ में सब लोग जाते हैं ना डुबकी लगाने, कभी हरिद्वार में होता है, इस साल हरिद्वार में कुंभ है, ठीक है, शिप्रा नदी पे पिछले बार लगा था, शिप्रा जो एमपी के अंदर है उज्जैन के पास, फिर अलाहाबाद में प्रयागराज पे कुंभ लगता है, तो सब जगहों पर इसी तरह इनको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, बागड़ का कुंभ भी कहते हैं, इस तरह से ये काफी फेमस मंदिर है, बहुत मान्यता मंदिर है। आई थिंक जो आरएस तैयारी कर रहा है, जिसने शुरू भी किया होगा, तो उसने इस नदी के कॉन्फ्लुएंस के बारे में और इस नदी के बारे में ओवरऑल जरूर जानकारी आपको मिली होगी, आपने जरूर पढ़ा होगा उसके बारे में, ठीक है। तो बहुत फेमस, मतलब सबसे जो फेमस कोई त्रिवेणी संगम राजस्थान का है तो सोम माही जाखम का ही है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि सोम माही जाखम मिलती कहाँ पर है, तो डूंगरपुर के अंदर, नवाटपुरा के अंदर ये मिलती है जगह, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। आई जस्ट हैव सम वाटर। चलिए अगला मंदिर, मातृकुंडिया मंदिर चित्तौड़गढ़, राशमी चित्तौड़गढ़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके राशमी चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ मंदिर है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, इसको हरिद्वार का मेवाड़ भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ और हरिद्वार ऑफ मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ का हरिद्वार किसको, मातृकुंडिया टेम्पल राशमी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और यहाँ पर एक झूला भी पड़ता है, ये मंदिर का फ्रंट साइड है, इसका सॉरी बैक साइड है, इसके आगे की तरफ एक झूला पड़ता है जिसको लक्ष्मण झूला कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला, आई थिंक किसी और उसके अंदर भी ये इमेज आपको दिख जाएगी देखने को मिलने को, तो लक्ष्मण झूला बना हुआ है मातृकुंडिया के अंदर, यहाँ पर बना हुआ है, जैसे हरिद्वार में, इसीलिए इसको हरिद्वार का मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार के अंदर लक्ष्मण झूला राम झूला बने हुए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक लक्ष्मण झूला बना हुआ है क्रॉस ओवर करने के लिए, उतना बड़ा तो नहीं है, थोड़ा छोटा है साइज में, लेकिन उसी तरह का यहाँ पर देखने को मिलेगा मातृकुंडिया के अंदर, तो ये मंदिर भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला मंदिर रहता है आथूर्णा माता मंदिर टेम्पल आपके बांसवाड़ा के अंदर, ये आथूर्णा बहुत फेमस मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है, हालांकि ये पूरे मंदिर नहीं बचे, यहाँ पर रिमेन्स बचते हैं, या रुइंस कह लो आप, मंदिर के यहाँ पे आपको रुइंस मिलेंगे या रिमेन्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है, परमार शासकों के द्वारा बनाए हुए मंदिर थे बांसवाड़ा के अंदर, तो काफी पुराने मंदिर है, और ये जो आथूर्णा थी ये आपके परमार शासकों की कैपिटल भी रही है, ठीक है, इसीलिए इसको काफी इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है, इसको उत्थुनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो उथूनक या आर्थूर्णा के नाम मंदिर, ठीक है, आर्थूर्णा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आर्थूर्णा के मंदिर, उथूनक के मंदिर परमार शासकों की राजधानी रही थी, इसलिए जाना जाता है, कहां पर, बांसवाड़ा के अंदर, तो ये आप मंदिर जरूर ध्यान रखिएगा। मंदिर के रिमेन्स है बेसिकली, जिस तरह से आप देख सकते हैं रुइंस है, कुछ में मंदिर ही मूर्तियां, कहीं मूर्तियां भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, तो उस तरह का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे सवाई भोज मंदिर, ठीक है, ये आसींद भीलवाड़ा के अंदर है, और ये आपके खारी नदी है उसके किनारे बसा हुआ है, गुर्जर जो कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टेंपल माना जाता है, और गुर्जर समुदाय के बहुत लोग यहाँ रेगुलरली पूजा करने भी आते हैं आसीन भीलवाड़ा के अंदर, और जो देव नारायण जी हैं जिन जो जिनकी फड़ गाई जाती है वो काफ़ी फेमस है भीलवाड़ा के रीजन के अंदर, और गुर्जर को गुर्जर समुदाय के लोग देवता के तौर पर माना जाता है, देव नारायण योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, तो ये सारी उन्हीं को डेडिकेटेड है, और सवाई भोज टेम्पल भी गुर्जर समुदाय के लिए काफी फेमस टेम्पल है, काफी बना हुआ इंपॉर्टेंट मंदिर है, खारी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर किसी मंदिर के अंदर कोई नदी के बारे में भी जानकारी दी हुई तो वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, खारी नदी के किनारे बसा हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रखिएगा, ये ठीक है, तो ये ध्यान इंपॉर्टेंट है। फिर अगला लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, भरतपुर के अंदर है, महाराजा बलदेव सिंह के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, और दिस सबसे खास बात, इट इज द ओनली टेम्पल डेडिकेटेड टू लक्ष्मण इन इंडिया इज इन भरतपुर, ठीक है, तो जो भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, जिसको हम शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, उनको डेडिकेटेड के एकमात्र मंदिर है वो यही मंदिर है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में कोई लक्ष्मण के नाम पे मंदिर नहीं है, जैसे अगर आप अयोध्या भी जाएंगे तो वहाँ पे हनुमानगढ़ी है, सीता माता की रसोई है, राम टेम्पल तो खैर वापस से बन ही रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी के नाम पर कोई मंदिर वहाँ पर बना हुआ नहीं है, हो सकता है अब योगी जी के टाइम पर कोई और मंदिर भी वहाँ पर बना दिया जाए जो लक्ष्मण को डेडिकेटेड है, लेकिन तब तक के लिए, जब तक नहीं होता कोई निर्माण, जब तक कोई अपडेट नहीं आती है, तब तक आप ये ध्यान रखिएगा एकमात्र मंदिर
जो भगवान लक्ष्मण को डेडिकेटेड है वो आपके भरतपुर के अंदर है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये, जैसे रावण को डेडिकेटेड मात्र वो जोधपुर में, लक्ष्मण को और डेडिकेटेड वो आपके आपके क्या कहते हैं यहाँ पर भरतपुर में। इसी तरह विभीषण, उस ऊपर वाले पे बाद में आऊंगा, विभीषण को डेडिकेटेड एकमात्र मंदिर है वो आपके कोटा के अंदर, कैथून कोटा, ठीक है। तो आपने राम जी के देख लिए मंदिर, रावण का देख लिया, लक्ष्मण जी का देख लिया, अब एक विभीषण के लिए भी डेडिकेटेड, रावण का छोटा भाई था विभीषण, बट वो उसने भी रावण का साथ छोड़ दिया था। आप सबने रामायण पढ़ी होगी आई एम श्योर, तो उस बारे में कहानी में तो नहीं जाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन हाँ तो ये उनको डेडिकेटेड एकमात्र मंदिर है वो राजस्थान में, वो कोटा के अंदर है, ठीक है। विभीषण मंदिर कहाँ पर है, कोटा में। ये सारे क्वेश्चन आपके प्री में आ सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला मंदिर है करणी माता का, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, ये आपके RAS 2016 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है ये मंदिर कहाँ पर था, डेडिकेटेड किनको है, तो ये ध्यान रखिएगा देशनोक बीकानेर के अंदर है। महाराजा करणी सिंह, ठीक है, उनके उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, हालांकि इसकी फाउंडेशन थी वो आपके जो राव बीका के टाइम से शुरू हो जाता है इनका। करणी माता बहुत पुरानी फेमस वहाँ पर एक स्त्री रही थी जिन्होंने बीकानेर के राजवंश की स्थापना में काफी मदद करी थी। मंदिर का जो नया निर्माण है वो महाराजा करणी सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो करणी माता इज कंसिडर्ड एज दी क्लैन गॉडेस, यानी कुल देवी ऑफ राठौड़ रॉयल्स। तो जो आपके बीकानेर का राठौड़ राजवंश है, ठीक है, देखिए नागणेची माता आपके जो मारवाड़ यानी कि जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी मानी जाती है, और करणी माता जो है वो आपके बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी मानी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आप लोगों ने सबने इमेज देखी होगी इस तरह की, यहाँ के जो चूहे होते हैं वो इस तरह के दूध पीते हैं और वो उस दूध का प्रसाद लोगों में बांटा जाता है। अगर किसी ऐसे कभी चूहे का मूठा झूठा दूध कोई पी जाए तो उसको प्लेग जैसी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ का प्रसाद ही इस तरह से है कि ये जहाँ के चूहे होते हैं वो प्लेग व्लेग नहीं फैलाते हैं, और इनको जो सफ़ेद चूहे कभी किसी को दिख जाते हैं तो वो काबे कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सफ़ेद चूहे भी देखने को मिलते हैं, और ये देखिए कहानी ऐसी है कि जो बीकानेर के राजवंश थे वो लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जितने भी चूहे हैं वो उनके पूर्वजों के अवतार हैं, तो खासतौर से जो वाइट चूहे होते हैं उनको तो अवतार ही माना जाता है पुराने शासकों का और अपने परिवारजनों का, तो इन जितने भी इनको काबा कहा जाता है और ये सारे इनके अवतार पुराने शासकों के और पुराने लोगों के उनके राज परिवारों के उनके पुनर्जन्म को दर्शाया जाता है, इस तरह से एक सिम्बॉलिक रिजेम्बलेंस बताई गई है। मे बी फॉर दैट रीजन कि वहाँ पर लोग चूहों को नहीं मारना चाहते हो, इसलिए उन्होंने इस तरह का कुछ आइडिया फ्लोट किया हो, और वट एवर वी डोंट नो वट एवर इज ट्रू, तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो फेथ कैन नॉट बी क्वेश्चन, तो उसी तरह से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो राठौड़ के जो कुल देवी है वो करणी माता, और ये पूरी हुई स्लाइड। चलिए नेक्स्ट आपके घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर शिवाड़, ठीक है, इसको राजस्थान में 12th ज्योतिर्लिंग के भी तौर पर जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड शिवाज 12th ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग यहीं पर बना हुआ है शिवाड़ सवाई माधोपुर में, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। और सवाई माधोपुर में यहाँ पर एक बड़ा तालाब भी है, आई थिंक जब मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि आई ऑलमोस्ट ड्राउंड इन दैट पॉन्ड, क्योंकि बाहर तालाब में मैं अपने कजन के साथ हम लोग घूमने गए हुए थे, तो छोटे ही थे, काफ़ी छोटे थे, शायद आई थिंक 5th-6th में पढ़ते थे, तो घर वाले सब मंदिर वगैरह में बिजी थे पूजा वूजा में, और हम लोग सब तैरने चले गए, तैरना मुझे आता नहीं था तो मैं किनारे किनारे बैठा हुआ था सीढ़ी के पास, पता नहीं पैर फिसल कर मैं नीचे चला गया। और पानी की एक खास बात है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पानी आपको 3 बार ऊपर फेंकता है, उस 3 बार में किसी ने आपको देख लिया तो आपको पकड़ के निकाल लेगा अगर उसको भी तैरना आता है, तो नहीं तो 4th बार में पानी सीधे नीचे में लेके जाते हैं। मेरा लग अच्छा था तो वहाँ पर कुछ लोकल बच्चे भी खेल रहे थे, तो उसमें से किसी एक को पता लगा कि मैं ऐसे डूब रहा हूँ, तो वो उसमें मुझे बचाने आता है, फिर मुझे खींच के निकाल लिया मैं, तो मैं बच गया था बाईचांस, ठीक है। तो ये घुश्मेश्वर महादेव टेम्पल उसीलिए फेमस है, मेरा तो काफ़ी याद रहेगा, मेरे को तो हमेशा जीवन भर के लिए ये। तो शिवाड़ का फेमस मंदिर घुश्मेश्वर महादेव 12वां ज्योतिर्लिंग के तौर पर भी जाना जाता है राजस्थान में, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला मंदिर किराड़ू टेम्पल, लोकेशन बाड़मेर, जिसको हम राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको राजस्थान खजुराहो के तौर पर फेमस है किराड़ू टेम्पल्स बाड़मेर के। दिस स्टैचूज डिपेक्टिंग इमोशंस रिलेटेड टू वीर रस यानी हीरोइज्म, श्रृंगार रस, अडोर्नमेंट, वॉर, डांस एंड कामशास्त्र आर यूनिक। तो जिस तरह से आपने जो MP के अंदर खजुराहो है मंदिर में, वहां पर आपने देखा होगा कि सब तरह के वहां पर मूर्तियां, काफी रोटिसिज्म की मूर्तियां भी हैं, वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है, वॉर डांस सारे के सारे वहां पर चित्रण किया गया। इसी तरह यहाँ पर भी किराड़ू के मंदिरों में भी खजुराहो के मंदिर, मतलब जिसको हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग रस को लेकर मूर्तियां बनाई गई, चाहे वीर रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे युद्ध रस हो, ठीक है, उसके अलावा नृत्य रास हो, कामशास्त्र हो, इन सब की मूर्तियां वहां पर बनाई हुई है। तो आप ध्यान रखिए किराड़ू बहुत फेमस है खजुराहो ऑफ राजस्थान, ठीक है। और मेवाड़ का खजुराहो जगत का मंदिर, तो आपने राजस्थान खजुराहो पढ़ लिया, मेवाड़ का खजुराहो पढ़ लिया, हरिद्वार ऑफ राजस्थान पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारे मंदिर आप जो निक नेम्स हैं इनके बने हुए हैं,
तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे प्री में ही पूछे जाएंगे, और अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बाइफरकेशन और अपनी नॉलेज दिखाने के लिए चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपके मंदिरों की है, देखिए खजुराहो का टेम्पल है, ये जो आपको मैंने बताया ये ओरिजिनल खजुराहो का टेम्पल है, और ये आपके जो यहाँ वाला जो मंदिर किराड़ू उसके कुछ मंदिर टेम्पल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से ओरिजिनल उस तरह बना रखा है उन्होंने पूरा, आपके जो पूरे युद्ध के स्तर के जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, स्त्रियों की, कुछ खंडित भी हो गई हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये खंडित हो रखी, थोड़ी सी खंडित हो रखी है, ये दोनों ही मूर्तियाँ, दोनों ही इमेजेस जो है वो आपके खजुराहो की, आपके यहाँ की हैं, किराड़ू के बाड़मेर की, ठीक है, बाड़मेर किराड़ू की ही आपके सारी दोनों इमेजेस हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कुछ खंडित हो गई हैं पुरानी टाइम पर, कुछ एज भी हो गई है इनकी, काफ़ी ज़्यादा पुराने मंदिर बने हुए हैं, कुछ लोगों ने बदमाशियाँ करी हैं, कुछ शुरू से जो मुगलकालीन अटैक्स हुए उसके बावजूद खराब हुए हैं ये मंदिर, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आता है शिव मंदिर। शिव मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके भंड देवरा का, और रामगढ़ 12 के अंदर है ये, ठीक है। इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेवाड़ का खजुराहो बता दिया आपको मैंने, अब हाड़ौती का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, तीनों खजुराहो ध्यान रखिएगा। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली यानी आपने बताया पांच, चार कोनों में चार मंदिर, एक मंदिर बीच में, तो इसको पंचायतन शैली कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पेंटागन टाइप्स। फिर ये राजा मलय वर्मा जो मेद समुदाय का शासक था, मेद जो उसका वंश था, मेद वंश के शासक राजा मलय वर्मा ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन में आपसे ये नाम भी पूछ सकते हैं कहाँ पर है, ये पूछ सकते हैं किसने बनवाया था, हाड़ौती खजुराहो कौन सा है और किस मंदिर में बना हुआ है, किस उसमें बना हुआ है शैली में, ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। शिव मंदिर भंड देवरा रामगढ़ 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं डबल स्टार लगा देता हूँ उसके ऊपर, क्वेश्चन आने के मतलब मेजर चांसेस हैं इस वाले एग्जाम में, क्वेश्चन आए भंड देवरा बहुत फेमस मंदिर है। हालांकि ये जगह कम पूछे न जाने के चांस है, क्योंकि पहले पूछी कॉमन है, किसने बनवाया था ये बहुत चांस है, और इस हाड़ौती खजुराहो किसको कहते हैं ये बहुत चांस है। पंचायतन शैली के मंदिर निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो उस तरह से पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद सच्चिया माता टेम्पल ओशियां जोधपुर का, ठीक है, तो ओशियां जोधपुर का सच्चिया माता टेम्पल बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पर इसी मंदिर परिसर के अंदर ब्राह्मण मंदिर और जैन मंदिर, यानी हिंदुओं को, हिंदू धर्म को डेडिकेटेड मंदिर और जैन धर्म को डेडिकेटेड मंदिर सारे इसी में बने हुए हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर, अलग अलग आप देख सकते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स है, कितने सारे मंदिर यहाँ बने हुए हैं, सारी इनकी शिराएं आपको देखने को मिलेंगी, शिखर सबको देखने को मिल रहे हैं आपको, तो ये सारे बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना है मंदिर का, जहाँ पर खूब सारे मंदिर हैं, ठीक है, तो मंदिरों का शॉपिंग मॉल कह सकते हो आप। तो ये महामारू शैल का बना मंदिर है, महामारू शैली का बना मंदिर है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पर, वो एक सूर्य मंदिर है, एक हरिहर मंदिर है, ठीक है, सच्चिया माता मंदिर है, और ये प्रतिहारकालीन मंदिर यहाँ पर एक है जो भगवान महावीर को डेडिकेटेड है इसी टेंपल कंपाउंड में, तो इसलिए सो जैन टेंपल की बात कही ना मैंने, तो ये प्रतिहारकालीन मंदिर भगवान महावीर को डेडिकेटेड टेंपल भी इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। इसके अलावा सूर्य मंदिर ओशिया का वो भी यहीं पर है, हरिहर मंदिर ओशिया का यहाँ पर है, सच्चिया माता मंदिर ओशिया यहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर जो सूर्य मंदिर बने हुए हैं इनको राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोणार्क वैसे उड़ीसा के अंदर है, पुरी के तट के किनारे कोणार्क मंदिर बसा हुआ है, जिसको सन टेंपल, सबसे बड़ा सन टेंपल इंडिया में कहीं है तो वो पुरी का है, ठीक है, कोणार्क टेंपल ऑफ पुरी उड़ीसा। इसी तरह राजस्थान का कोणार्क कौन सा है, आपके सन टेंपल ऑफ ओशिया जोधपुर, ठीक है, इसको ब्लैक पगोडाज ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, पगोडा यानी टेंपल, तो ग्रीक सॉरी आपके इजिप्शियन उसमें लैंग्वेजेस में इनको पगोडा कहा जाता है, पगोडा, तो ये आपके या बुद्ध धर्म के अंदर पगोडा कहा जाता है, तो दोनों जगहों पर आपके ब्लैक पगोडाज ऑफ राजस्थान इनको मानते हैं, और कोणार्क ऑफ राजस्थान भी इसी को, क्योंकि सूर्य मंदिर जैसलमेर का, सॉरी आपके जोधपुर का सूर्य मंदिर है, ओशिया का सूर्य मंदिर, उसको हम कोणार्क ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब जो कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपके राजस्थान में से पूछ भी सकते हैं कि कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पर है, मैच करने को बताइए, तो आप ओवरऑल आपके लिए व्यू के तौर पर ध्यान रहेगा, कुछ मंदिर जो मिस हो गए वो भी आपको ध्यान रहेंगे, जो इतने इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर डिटेल नहीं थी लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो झालावाड़ का शीतलेश्वर महादेव मंदिर आप ध्यान रखिएगा, शीतलेश्वर महादेव कहाँ पर है, झालावाड़, और पद्मनाभ मंदिर जिसको हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं, झालावाड़ का, झालरापाटन का, वो दोनों मंदिर कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। इसके बाद चित्तौड़गढ़ के फेमस मंदिर आपके संबेदेश्वर मंदिर, सतबीज देवरी मंदिर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा आ रहा है 2018 के अंदर, ठीक है, मीरा मंदिर, मातृकुंडिया मंदिर, श्रृंगार चवरी जो कुंभा ने बनवाई थी, ठीक है, यहाँ पर वो राज तिलक वगैरह होता था वो, कुंभ श्याम मंदिर जो भी कुंभा ने बनवाया था, और सवलिया सेठ मंदिर जो मंडप है चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो ये सारे के सारे मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ के डिस्ट्रिक्ट वाइज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला 12 के अंदर भंड देवरा का शिव मंदिर, काकुणी मंदिर, गड़गच्छ देवालय और बसंतुड़ी मंदिर, ये सारे आपके 12 के अंदर, इनके बारे में बहुत डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी लेकिन मैच करने के तौर पर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। बाड़मेर के किराड़ू मंदिर, नाकोड़ा माता मंदिर, नाकोड़ा जैनियों के लिए बहुत फेमस मंदिर है, जैन टेम्पल्स बहुत जबरदस्त है, नाकोड़ा पहाड़ी पर बना हुआ है ऊपर, तो नाकोड़ा मंदिर बहुत फेमस है। मल्लीनाथ जी जिनके नाम पर आपके वो फेयर भी लगता है, आपके एनिमल फेयर मल्लीनाथ टेम्पल, और आलम जी
ठीक है, तो ये आपके चारों मंदिर कहाँ, बाड़मेर के बड़े फेमस है। इसके बाद आपके बांसवाड़ा के मंदिर, छींच माता का मंदिर, ठीक है, जिनको छींक माता मंदिर भी कहते हैं, छींच माता मंदिर वो, आरथूना का मंदिर और त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता, बांसवाड़ा तालवाड़ा का, वो मंदिर बड़े फेमस है, इनको ध्यान रखिएगा। फिर बूंदी के मंदिर, बीजासन माता, ये माता होना चाहिए तो मागता रह गया, ये जी नहीं है, बीजासन माता, ठीक है। केशोराय मंदिर, धनोब जी का मंदिर और तिलस्वा मंदिर, ठीक है, तिलस्वा मंदिर भी आपके बूंदी के अंदर है, तो इसको भी आप ध्यान रखकर चलिएगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगला आपके आता है जयपुर के, खासतौर से मंदिर आपके शीतला माता मंदिर, चूलगिरी जैन मंदिर, एक जयपुर के पास एक जगह है चूलगिरी का, पहाड़ी के ऊपर जाकर इस तरह से एक सर्पेंटाइन पूरा पैसेज जाता है, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण हो रखा है, चूलगिरी मंदिर तो बड़ा फेमस है, ठीक है। जम्वाय माता, जम्वा रामगढ़ के अंदर है, जो आपके आमेर के जो कछावा शासक थे उनकी वो मानी जाती थी कुलदेवी, ठीक है, आमेर के कछावा शासक कुलदेवी जम्वाय माता मानी जाती, जम्वाय माता का मंदिर। फिर ज्वाला माता मंदिर यहाँ पर है, मोटी डुंगरी गणेश मंदिर बहुत फेमस है, महाराजा सवाई माधो सिंह जो सवाई जय सिंह के पुत्र थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, मोती डुंगरी फोर्ट के नीचे ही बसा हुआ मंदिर है मोती डुंगरी मंदिर। और बिरला मंदिर जो आपके लक्ष्मी और विष्णु जी को डेडिकेटेड मंदिर है, ठीक है ये। इसके बाद अगले जैसलमेर के मंदिर, रामदेव जी मंदिर, ठीक है, स्वांगिया माता का मंदिर, जो स्वांगिया माता को जैसलमेर की कुलदेवी भी माना जाता है, कुलदेवी के ऊपर मैं अलग से क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा सारी कुलदेवियां कहाँ की हैं, इंपॉर्टेंट भी है वो, ठीक है, स्वांगिया माता। फिर लोद्रवा का जैन मंदिर और तेमड़ी राय, ठीक है, ये सारे मंदिर इंपॉर्टेंट है, तेमड़ी राय बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये डबल स्टार लगा रहा हूँ, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो तेमड़ी राय मंदिर, लोद्रवा जैन मंदिर, लोद्रवा कैपिटल भी रही है जैसलमेर की कुछ समय के लिए, तो जैसलमेर से शिफ्ट होने से पहले लोद्रवा कैपिटल रही है वहां पर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनर्स, आई होप आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें इसमें कवर हुई होंगी, जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये मैं इकट्ठी करता है वो सारी मैंने लाकर दी है, इसके अलावा और भी कुछ टेम्पल्स जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके ऊपर एक छोटा सेशन मैं रख लूंगा ताकि आप लोगों के लिए वो टॉपिक पूरा कवर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लोगों को बताइएगा कि आई एम टेकिंग क्लासेस इन इंग्लिश मीडियम, सो दैट इंग्लिश मीडियम के अंदर जो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही है इन्फॉर्मेशन और डेटा सारा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सारा यहाँ से मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस यूजिंग दिस कोड 10VS, इसके साथ आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड करूंगा जहाँ पर मैं रेगुलर आंसर राइटिंग सॉल्व करवाता रहता हूँ, तो आंसर राइटिंग में आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको सारी PDF वर्ड फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगी आपको, ठीक है, इसके अलावा मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी, तो वर्ड PDF में फॉर्मेट मिल जाएंगी, ये वाली तो स्लाइड्स हैं, तो इसमें कितनी स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकालेंगे, और इसके अलावा जो भी आप चाहते हैं पढ़ना मैं आपको रेगुलरली पढ़ाता रहूंगा। जो कोर्सेज हैं वो मैंने ये सारे कवर करवा चुका हूँ, इसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इन सबके नोट्स अवेलेबल हैं प्लस पर। बॉर्डर इंडियन हिस्ट्री शुरू हो रही है January 4th या 5th के आसपास इवनिंग के अंदर ऑन YouTube, तो ये आपको सारे मिलते रहेंगे, क्लास के बारे में जानकारी आपको बिफोर हैंड मिल जाएगी, सारे ग्रुप्स पर, अनअकैडमी टेम्पलेट्स पर सबको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे कोर्सेज मैं करवाने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम के अंदर जो RAS पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, मैथ्स और साइंस को छोड़ के, तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा, आई विल बी टेकिंग अप क्लासेस फॉर दोज एज वेल। प्लस पर ज्यादातर क्लासेस चलेंगी, यूट्यूब पर क्योंकि हिस्ट्री समय लगाएगी और 31 जनवरी के बाद पॉलिटी भी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद मैं कुछ नया टॉपिक शुरू करूंगा, तो वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टार्ट दोज टॉपिक्स ऑन प्लस। और इफ यू वॉन्ट टू रीच मी, आपको छोटा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के मेंबर हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इस लिंक पर फॉलो करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैसेजिंग के थ्रू चैट भी कर सकते हैं, बाकी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी स्टूडियो फीडबैक फॉर्म, उस पर क्लिक कीजिएगा, RPC पे क्लिक कीजिएगा, अपना नाम दीजिएगा, अपना टेलीफोन नंबर दीजिएगा और यहाँ मेरा नाम मेंशन कर दीजिएगा, डॉक्टर वरुण शर्मा, और आई विल बी कॉलिंग यू अप फ्रॉम माई सेल्फ, अपने भी अपना कॉल करूंगा आपको, जो डाउट्स हैं आपके वो आपके सॉल्व लिए जाएंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, यू नीड गाइडेंस, योर प्रिपरेशन फॉर सब्जेक्ट्स, विच एग्जाम टू प्रिपेयर फॉर, वो सारी हेल्प आपको करी जाएगी। तो दीज आर द वेज टू रीच मी आउट एंड दिस इज अबाउट इट आई गेस, सो थैंक यू फॉर बींग सो पेशेंट लिसनर्स एंड यूज दिस कोड 10VS टू ज्वाइन मी ऑन प्लस, और धड़ल्ले से तैयारी करते हैं, एग्जाम आने में ज्यादा समय बचा नहीं है और कभी भी एग्जाम डिक्लेयर हो जाएंगे तो उससे पहले तैयारी पूरी होनी चाहिए। फॉर दोज ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर ACF, माय वीडियोस विल बी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस टू ऑल ऑफ यू, खास तौर से ये जो कंबाइंड लंबे वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो ACF को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैं मेवाड़ की, मारवाड़ की और राजस्थान जयपुर की, आंबेर के कछावा वंशों के मैंने पूरे बड़े बड़े मेगा सेशंस लिए हैं, वो देखकर आपके पूरी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बट स्टिल इफ यू गाइज आर रीडिंग ऑल्सो, तो उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रीड करिए, पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और साथ साथ इन वीडियोस को देखिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ नाउ, टिल देन ऑल ऑफ यू गाइस टेक केयर, अगले वीडियो से पहले मिलते हैं, और टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, सायोनारा।